समस्त दुनिया में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, चेस और कैरम जैसे प्रसिद्ध खेलों के होने के बावजूद भी आज लोग जान की बाजी लगा देने वाले खून खराबे की स्पोर्ट बॉक्सिंग को काफी पसंद करते हैं। यहाँ तमिलनाडु में बॉक्सिंग का 100 साल से भी पुराना गौरवपूर्ण इतिहास है। हर स्पोर्ट का एक एक्सपर्ट होता है और आज बॉक्सिंग के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर चंद्रशेखर। नमस्ते। सन 1931 में इंग्लैंड में रहने वाले चार्ल्स बक ने पहली बार चेन्नई में बॉक्सिंग की शुरुआत की और उन्होंने काफी नौजवानों को ट्रेनिंग दी ताकि वो काबिल बॉक्सर्स बन सके, और इस ट्रेनिंग के चलते कई बॉक्सर ऐसे थे जिन्होंने अपनी अलग अलग टीम बनाई। इन सारे टीमों में प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर और लौह पुरुष सबसे अहम टीमें थी। जब भारत देश आजाद हुआ तो अर्ल जैक्सन के नेतृत्व में प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर और लौह पुरुष के बीच एक बॉक्सिंग मैच खेला गया। इस मैच को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह था क्योंकि ये मुकाबला अपने आप में बहुत बड़ा एक मुकाबला था जो पहले कभी नहीं हुआ था। जब एक टीम के बॉक्सर ने दूसरे बॉक्सर पर फाउल किया तो वहाँ की दोनों टीमों के बीच घमासान लड़ाई हो गई। लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते पूरा मैदान एक अखाड़ा बन गया। उस दिन के बाद से उस ट्रॉफी को जीतने के लिए कई दंगे और लड़ाइयां हुई। 1948 से 1990 में जब ये दंगे हुए तब रासामणिकम की टीम ने लगातार 20 बार इस ट्रॉफी को जीता और खिताब अपने नाम किया। मगर फिर 1991 में हम प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के हैं, लगातार हार की वजह से हमें गुस्सा और शर्म भरी है। महाशिवरात्रि के दिन प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर के मुनु स्वामी ने हमारी टीम को ललकारा। उसने कहा कि वो हमारी टीम को मात दे देगा। उसने उंगली में चैन घुमाकर दूसरी टीम को चुनौती दी। अपन प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम से ब्लैक टाइगर मनु स्वामी रासामणिकम की टीम को बॉक्सिंग के लिए ओपन चैलेंज देता है। दम है तो आओ रिंग में। तमिल बॉक्सिंग हो या फिर इंग्लिश बॉक्सिंग, तमिल बॉक्सिंग में आप सिर्फ चेहरे पर वार कर सकते हैं, मगर इंग्लिश बॉक्सिंग में आप पेट के ऊपर कहीं भी वार कर सकते हैं। हमारे गुरु ने काफी सोचने के बाद मरियप्पन को उसके खिलाफ अखाड़े में मुकाबले के लिए उतारा। हमारी टीम के गौरव की रक्षा करने के लिए पूरे समुदाय ने मुन्नू स्वामी की मदद की। यहाँ जो कसाई था उसने चिकन और मटन खिलाया। सेठ ने शूज, ग्लव्स और कपड़े दिए। अपनी टेक्निक को राज बनाए रखने के लिए वो दोनों रात को प्रैक्टिस करते थे। मेरे पापा को जितवा देना। अपने पिता मुन्नू स्वामी की जीत के लिए उसके बेटे भोलम ने दुर्गा माँ के उत्सव के दिन कड़ी तपस्या की। ए, रुको 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 रुक जाओ। दोनों बॉक्सर से ज्यादा उनके बेटे भोलम और अरुमुगम को अपने अपने पिता की जीत की चिंता थी। सातवें राउंड तक हमारा खिलाड़ी मार खा रहा था, मगर उसके बाद पूरा मैच ही पलट गया। आखिर में जब मरियप्पन मैच जीत गया तो मानो जैसे दुनिया खत्म सी हो गई। बदला लेने के लिए हमने मरियप्पन के इलाके में जाकर सब तहस नहस कर दिया। तमिलनाडु में चल रहे बॉक्सिंग मैचेस खेल न होकर आपस में झगड़े दुश्मनी का कारण बन चुके हैं। आए दिन यहाँ का माहौल बद से बदतर होता जा रहा है, इसलिए कोर्ट आज से तमिलनाडु में इस खेल को बैन करने का फैसला सुनाती है। पिछले 20 साल से बंद पड़े इस पारंपरिक खेल को फिर शुरू कर आप तक पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंस बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट को शुरू किया जाने वाला है आपके अपने फेवरेट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल पर। तो फिर तैयार हो जाइए। तमिलनाडु में ये मैच लौह पुरुष रासामणिकम की टीम से अरुमुगम और प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के भोलम के बीच होगा। ये मैच जिन बॉक्सर्स के बीच हो रहा है वो और कोई नहीं बल्कि 20 साल पहले हुए बॉक्सिंग मैच में शानदार जीत हासिल करने वाले मरियप्पन के बेटे अरुमुगम है, और मरियप्पन के हाथों ही हार कर खुदकुशी करने वाले बॉक्सर मुनुस्वामी का बेटा है भोलम। मुनुस्वामी को यही दबाया। किससे पूछकर तुम लोग मेरे पिता की समाधि की शूटिंग कर रहे हो?
हमारा वीडियो बनाकर पूरे गांव में टेलीकास्ट करोगे? जो जूता पहन के आया है ना, उसी से मारूंगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ, इस मैच के विनर का मुकाबला होगा मौजूदा इंडियन चैंपियन बॉक्सर गुरुदयाल के साथ। इनमें से जो इंडियन चैंपियन बनेगा उसका मुकाबला होगा वर्ल्ड चैंपियन के साथ। तो कौन होगा ये वर्ल्ड चैंपियन? इंतजार कीजिए रोमांचक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, जो जल्द आ रहा है आपके फेवरेट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल पर। There you go, Future Sports Channel. आने वाले 5 साल में ये इंडिया का नंबर 1 चैनल होना चाहिए और फ्यूचर में ये होगा दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल। और ये टूर्नामेंट पहला कदम है। ये तो लोकल खेल है सर। मोर लोकल इज मोर ग्लोबल, मोर रीजनल इज मोर इंटरनेशनल टुडे। आपकी बात ठीक है, इस तरह की एमेच्योर बॉक्सिंग पूरी दुनिया में हो रही है, मगर इसकी व्यूअरशिप कोई ज्यादा नहीं है। जैसा तुम सोच रहे हो, ये कोई शो फाइट नहीं है। पूरी दुनिया में बॉक्सिंग के मैचेस में एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर को नॉकआउट करके मैच जीतता है, मगर यहाँ भोलम अरुमुगम को हराने के मकसद से नहीं, उसे मारने के मकसद से रिंग में जाएगा, और अरुमुगम भी रिंग में इसी मकसद से उतरेगा। खून सवार होगा इन दोनों के सिर पे, और हम इसी का फायदा उठाएंगे। यू आर राइट सर, मगर जब हमने एजेंसी से बात की तो उन्होंने कहा कि इस खेल का मार्केटिंग स्कोप नहीं है। इस खेल के लिए हमें सिर्फ लोकल स्पॉन्सर्स मिलेंगे, कोई भी मल्टीनेशनल ब्रांड स्पॉन्सर नहीं करेगा। वर्ल्ड मार्केटिंग के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। वॉलमार्ट हमारे देश में सब्जियां बेचने आ रहा है। यू सी, एक दिन में 100 गाड़ियां बेचने से अच्छा है कि 10 लाख शैंपू के पैकेट्स बेचो, मेक मोर प्रॉफिट। अपने सैशे वाले प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये होंगे हमारे हीरोज। मान लो तमिलनाडु में रहते हैं 1.5 करोड़ परिवार, उनमें से 1 करोड़ हर रोज 5 रुपए का पालक खरीदते हैं। मतलब रोज 5 करोड़ का धंधा होता है, मतलब एक महीने में 150 करोड़ और एक साल में 1800 करोड़ का धंधा। तो अगर हम किसानों से पालक को खरीद कर कॉरपोरेट कंपनीज को बेचें तो सोचो कितने का प्रॉफिट होगा। द फिगर विल मल्टीप्लाई। आज हर एक झोपड़ी में एक टीवी है, तो बंगले को छोड़ो, झोपड़े पे फोकस करो और हर झोपड़ी में से जितना निकाल सकते हो निकालो। मगर इन गुंडों के साथ काम करना काफी मुश्किल होगा। सही कहा, वो कोई तेंदुलकर या सानिया मिर्जा नहीं है, वो पढ़े लिखे भी नहीं है और ना ही उन लोगों को बात करने की तमीज है। उन्हें संभालना हम जैसे पढ़े लिखों का काम नहीं, और हम चाह के भी नहीं कर सकते। ये वही कर सकता है जो उनके साथ उठता बैठता है, उनके बारे में जानता है। दिस इज मिस्टर थिरुवेंगडम, हमारे बॉक्सिंग कोऑर्डिनेटर। थिरुवेंगडम। यस सर। ये बताओ कि तुम भोलम और अरुमुगम को कैसे हैंडल करने वाले हो? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको, भोलम और अरुमुगम बहुत डिसेंट, बहुत प्रोफेशनल है। वो दोनों डेली 6-7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, दोनों स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। समझ गया सर, हम प्रमोशन और मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। 20 साल पहले भोलम के पिता मनुस्वामी ने मैच हारने के गम में खुदकुशी कर ली थी, तो ये बॉक्सिंग मैच होगा उसी महाशिवरात्रि के दिन, अ रिवेंज डे। हाँ, रेडी रेडी, चल चल स्प्रे मार। इधर करो। होली खेल रहा, उन्हें पसीना चाहिए था इसलिए पानी मार रहा था। पसीना चाहिए तुझे? तूने नकली पसीना बहुत देखा होगा, असली वाला कैसे आता दिखाऊं तुझे। फोटो तो अच्छी खींच लेगा ना, ये कोई एक्टर नहीं फाइटर है, चीर देगा तुझे। अरे ये क्या, उसे तो मेहनत करने से पसीना आ रहा है और तुझे सिर्फ देखकर आ गया। चल खींच। थोड़ा गुस्सा करने को बोलो ना। सुना भोलम, इन मिस्टर को तेरा गुस्सा वाला चेहरा देखना है। हाँ, हाँ, हाँ? और थोड़ा सा। हाँ? 200 ग्राम गुस्सा और बड़ा। सुन भोलम, तेरा जानी दुश्मन कौन है उसके बारे में सोच। इसके तोते क्यों उड़ गए? क्योंकि उसका नाम भी अरुमुगम है। बैकग्राउंड में कड़कती बिजली डाल, फटता हुआ ज्वालामुखी ट्राई कर, दाढ़ते शेर की फोटो लगा, मस्त है ना? एकदम रैप चेक।
इसे डन करते हैं। ओके सर। सुनना, अरुमगम को हिला देने वाला कोई धांसू डायलॉग बता मुझे, एकदम धांसू। हाँ मुझे पता था तुम यही पूछोगे, इसीलिए मैं बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड राइटर को लेकर आया हूँ। बोलना। खूनी बदला देखिए, उसमें जो हीरो बोलता है ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो उधर से विलन बोलता है तेरे घर में पानी नहीं आता। ये डायलॉग मेरे दादा ने लिखा है, और भाषा में रजनी सर बोलते ना, मेरी बात का वजन तेरे खानदान से ज्यादा। ये मेरे पापा ने लिखा है। और सैया रसीले भोजपुरी फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, हमार जिगर में 16 भड़के, ये पंचलाइन छपरा में हिट हुई थी। इस फोटो के लिए कुछ है तेरे पास? कर ले अपनी लुंगी टाइट, बोलम देगा तुझको फाइट। वाओ सुपर। तो क्या कर रहा है ये? भाई की पर्सनालिटी के हिसाब से कोई धासू डायलॉग देना। न पुदीना न धनिया न चाय न सुट्टा, बस भोलम पे लगाना अपना सट्टा। तेरे मुंह में दे दूंगा देसी कट्टा। ओए चाय सुट्टा क्या कर रहा है, कुछ बढ़िया बता। सर सूर्या के लिए एक पंचलाइन लिखी थी, वो सुनाता हूँ। कर लो दुनिया मुट्ठी में, भोलम मिला देगा मिट्टी में। गुड सर, ये अच्छा लगा। भोलम भाई ये वाला तो सच में अच्छा है। कहीं सूर्या नाराज हो गया तो हम दोनों एक ही जिम में जाते हैं। अरे चिंता नहीं, ये किसी और के डायलॉग सूर्या को दे देगा, मामला फिनिश। चल अब इसे बोल्ड में लेके, जबरदस्त। ए अपने अपने पोस्टर साथ ले लो, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले जहाँ जगह मिले चिपका डालो। अरमुगम भोलम का चेहरा हर जगह देखकर कांप जाना चाहिए। ए भोलम, ये मल्टी कलर पोस्टर कैसा लगा तुम्हें? इसको बोल इसके चेहरे से तो अच्छा ही है। मैंने 6 फुट का पोस्टर बनाने को कहा था, मगर इन्होंने 4 फुट का पोस्टर बना दिया। सब कुछ उधार दे दिया, मगर ना ही किसी ने पैसा लौटाया और ना ही ब्याज, गल्ला पूरा खाली पड़ा है। एक बार मैच होने दे सेठ, एक ही बार में पूरा पैसा वसूल कर लूंगा। ठीक है, इसे गांधी मार्केट में चिपकाओ, इसे एलबीएस चौक पर, और जो तेरे हाथ में है इसको सारे पोस्टर अरमुगम के इलाके में चिपका डालो। उसके घर और गली में एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए, वह जहाँ भी देखे उसे मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। ये पोस्टर उसकी मौत का फरमान है, जाओ चिपका दो। चलो चलो चलो। ए इधर तो देख। ए अपने भाई के पोस्टर पे भोलम ने अपने पोस्टर चिपका दिए हैं। वो लोग इधर आए कैसे? पता नहीं, पर पूरे एरिया में उसी के पोस्टर हैं। पूरी बस्ती में उसी के पोस्टर लगे हैं। वो देखो भोलम के आदमी पोस्टर लगा रहे हैं। अरुमगम के लोग आ रहे हैं, यहाँ से निकलो जल्दी। चल 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 जल्दी भगा, जल्दी भगा, भागने ना भाग। चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, चल 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 भाग 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 जल्दी। रुक, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। अरुमगम, भोलम के आदमियों ने सब जगह ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं, जिधर देखो उसी के पोस्टर लगे हैं। इनका कुछ तो इलाज करना होगा। ए, मैच में लड़ने से डरता है इसलिए ड्रामा कर रहा है, हम इसका बदला यहाँ नहीं लेंगे, रिंग में लेंगे। सुनिए, आज वो और उसके आदमी हमारे घर की चौखट तक पहुँच गए, क्या पता कल वो हमारे घर के अंदर आ जाए। उसका बाप भी इसी तरह उछलता था। फिर तो उसे चुप कराना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चाहिए, जैसा ये कह रहा करो, यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। चलो निकलो, चल अंदर चल। सुना नहीं, निकलो यहाँ से। अपुन को ये जमा नहीं, हमें भोलम को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। उठो ना यार। आजा साहब। इससे पहले कि मास्टर अपनी कड़वी दवा हमारे गले में उतारे, सब निकल लो। चलो चलो चलो। नेक्स्ट ये वाला। हम जैसी मॉडर्न लड़कियां फिल्म स्टार ऋतिक रोशन, शाहरुख, क्रिकेट प्लेयर्स धोनी, युवराज सिंह की दीवानी होती हैं, और तू है कि कोई कासी माड़ू, व्यासर पाड़ी और पारंपरिक बॉक्सर प्लेयर्स की दीवानी है। प्यार शब्दों में बयान नहीं होता, भोलम एक रियल हीरो है। मेरी बात लिख ले, वो तेरे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से एक दिन बड़ा स्पोर्ट्समैन बनेगा। डांस सिंह भोलम देखो। सिंधु कहाँ थी तुम? हा? तुमने टैटू बनवाया क्या? इधर बनवाया? ची, खाना खाने आओ। आता हूँ।
ए, ये सब कॉलेज लेकर जाओ और रास्ते में कहीं गाड़ी मत रोको। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कुर्मा है क्या? हाँ भैया। 100 पराठे के लिए सिर्फ 2 बर्तन कुर्मा, ऐसे कैसे चलेगा? पता है ना कॉलेज के लड़के कैसे खाते हैं, उनके लिए कम पड़ता है। सिंधु ये क्या कह रहा है, कम पड़ेगा? भैया ये झूठ बोल रहा है, मेरे दोस्तों ने बताया है ये रास्ते में कोरमा बेच देता है। हे, चल निकल यहाँ से। चल जा। आज ये वाली शर्ट क्यों? आज बुधवार है ना, इस रंग की शर्ट पहनोगे तो दिन अच्छा निकलेगा, पहनो। ये सब तो ठीक है, लेकिन अंडरवेयर तो काली चलेगी ना? वो मुझे नहीं पता। आवारा दद 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 दुनिया ने मारा, मैं आवारा। कल से जल्दी आया करो, तुम्हारी वजह से कॉलेज जाने में देर हो जाती है। तुमने आज कोई नया टैटू बनवाया? हाँ। कहाँ बनवाया, दिखाओ ना। अगर तुमने सही गैस किया तो दिखा दूंगी। अब तक पूरे 8 बार सही गैस कर चुका हूँ, लेकिन तुमने 1 बार भी मुझे अपना टैटू दिखाया नहीं है। मुझे अपना ही टैटू देखने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी। तुमने मुझसे पूछ कर टैटू बनवाया था, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। छोड़ मुझे। मुझे सिर्फ ग्लव्स दिखाई दे रहे अपने, बाकी बॉडी नहीं दिख रही। पीछे भी बनवाया है और नीचे भी, और कहाँ कहाँ। ये अंदर क्या शोर हो रहा है? बस बातें कर रहे हैं साले साहब। तुम्हारा भाई बहुत अनजान बन रहा है, पर तुम इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? जिस दिन ये यहाँ नहीं होगा ना तो तुम्हारे सारे टैटू देखूंगा मैं। इतना वेट क्यों? अभी शादी कर लो, सारे टैटू देख लो। लॉ पुरुष टीम के चाहने वालों, भोलम को हराएगा हमारा शेर। हमारे शेर का नाम है अरुमुगम। अरुमुगम है इस इलाके का खली जो तोड़ेगा दुश्मन की नली। गाँव में अभी तक नहीं पहुँची लाइट, भोलम हारेगा ये फाइट। नहीं पता कि कब पहुंचेगी वहां लाइट, पर ये पक्का है कि भोलम जरूर हारेगा ये फाइट। अरे ये भोलम यहाँ, अरे जल्दी चला जल्दी चला। ए, इस ऑटो को जाने मत देना। अबे ऑटो जल्दी चला, इन लोगों के हाथ नहीं लगता है, जल्दी चला। अरे हट जाओ सामने से, हट जाओ। अबे क्या तेरे ऑटो में जान नहीं है बे? अबे जल्दी चला ना। अबे ये रेडियो कहां से आ गई सामने? छोड़ दे छोड़ दे। अरे मेरी बात सुन। ए पीछे हटो, माइक मत तोड़ो। तू मेरे ही एरिया में आकर मेरी बेइज्जती कर रहा है, अब तू यहाँ से अपने एरिया जाने तक बस मेरी तारीफ करेगा। डायलॉग मैं दूं? मुझे एक डाउट है, अरुमुगम आउट है। अपने फाइटर को कहता है बब्बर शेर, मगर वो तो है कचरे का ढेर। तू ये बोल, घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। वाह क्या बात है, अब तू बोल। घंटी होती है रिंग। माइक में बोलना है, माइक दे से, पकड़ से, तू पीछे बैठ। डायलॉग याद है, लिख के दूं। जब तक मेरा एरिया खत्म नहीं होता तुझे यही बोलना होगा। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग। अपने एरिया में बहुत शेर बनता है, ले तेरे एरिया में है, पता क्या करेगा हमारे साथ? मारो इन्हें, बचना नहीं चाहिए कोई भी। अपने एरिया में अरुमुगम के लोग आ गए, जल्दी अपने आदमियों को बुला के लाओ, भागो। हमारे आदमियों ने भोलम के लड़कों को मारा। सुना कल भोलम के एरिया में काफी लफड़ा हुआ। सही सुना, क्या जम के दिलाई किए उनकी। हे भोलम के आदमी आ गए, चल 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 चल। हे हमारे एरिया में आके हमें मार रहे हो? हे जा रहे अपने पंडित बाबा को बुला के ले गया। मार दो देखो। हे इधर आ, उसको लोग आ रहे हैं, निकल जाओ, चल भागो। और बदले में उन्होंने अरुमुगम के आदमियों को मारा। रुक रुक, इसे भोलम के पास ले चलो। तुझे नहीं मारूंगा, जब अरुमुगम को मारूंगा तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऑटो चलेगा।
जाकर बोल दे उसे कि एक बाप की औलाद है तो फिर तैयार हो जाए वो। वो बीच सड़क पर फैसला करने की बात कर रहा है। उसने तो बोला कि वो यहीं आकर मारेगा। वो कह रहा है कि अगर एक बाप की औलाद है तो तैयार रहे। उसे उंगली दी तो क्या वो हाथ पकड़ेगा? वो क्या यहाँ पर आएगा? मैं खुद वहां जाकर उसी के एरिया में मारूंगा। आजा आजा। ये टीवी वाले हमारा क्या मैच कराएंगे? चल अभी फैसला कर देता हूँ मैं, आजा। तू कुछ भी कर ले, मेरे ही हाथों नॉकआउट होगा तू। तू अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है ना? आज अपनी ताकत दिखाता हूँ तुझे। ए, रिंग बनाओ, आ जाओ सब लोग, इसकी मौत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। ए, दुर्गा माँ, आज मैं बलि चढ़ाऊंगा सर्वमुगम की तुझे। मेरी टीम ने तुम्हें बहुत बार हराया है और आज भी मैं ही जीतूंगा। चलाओ चलाओ। बॉक्सिंग के नाम पर तुम गुंडों को ट्रेनिंग दे रहे हो क्या सर? हमसे ट्रेनिंग लेने के लिए आपके डिपार्टमेंट से भी तो ऑफिसर्स आते हैं सर। पोस्टर लगाने की परंपरा तो कई सालों से चली आ रही है। ए, सोचा था टीवी चैनल को बोल के तुम लोगों की जिंदगी बना दूंगा, लेकिन तुम मेरी बेइज्जती कराने पे तुले हो। ए, इतनी क्या आग लगी है? थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? तुम लोगों को होटल में बाउंसर बनाता हूँ, अरे वीआईपी गार्ड बनाता हूँ मैं। बॉक्सर बोल के सोसाइटी में इज्जत दिला रहा हूँ मैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, चैनल ने 200 बॉक्सर सेलेक्ट किए हैं तमिलनाडु से, और इन दोनों को रिकमेंड किया मैंने। अगर ये हरकतें नहीं छोड़ी ना तो तुम दोनों को रिप्लेस करने में टाइम नहीं लगाऊंगा मैं। बहुत अच्छा किया मुर्गन, नहीं तो सड़क में यूं झगड़ा करते रहते दोनों। जानते हो चैनल इन दोनों पर भरोसा करके करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहा है इस आने वाले टूर्नामेंट पर। अब क्या बताऊं, जब से ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ है तब से बैटिंग, रिश्वतखोरी, पोस्टर लगाना, यही सब चल रहा है। बस अभी 4-5 लोगों को अंदर किया है। अब से जो कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदारी मेरी। चैनल में मेरी बहुत ऊंची पहचान है। तुम कहो तो तुम्हारे प्रमोशन की बात कर सकता हूं मैं। जो चाहो करो सर। जब कहूं ना दोनों को उठा के जेल में डाल देना, मगर फिलहाल दोनों को छोड़ दो साइन करा के। भाई मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, प्लीज मेरा ऑटो लौटा दो। सिंधु, दुकान में कोई नहीं है। okay. भैया कुछ काम से बाहर गए हैं, तुम दुकान संभाल लेना। ठीक है, आप जाइए। 5 तारीख से पहले पैसे आ जाने चाहिए, वरना ऑटो उठा लूंगा, समझे? ये ले भोलम, जा गोडाउन से अपना ऑटो ले जा। ठीक है मालिक। ए, तूने शटर क्यों बंद कर दिया? कहा था ना जब तेरा भाई नहीं होगा तो तेरे सारे टैटू देखूंगा। आजा, 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 आज नहीं छोड़ूंगा। अरे तू इतना नखरे क्यों करती है? अरे अरे पैर पे बनवाया, चलो मुझे दिखाओ। अरे मारो मत, मारूंगी बोला ना। अरे क्या कर रहे हो? इतना बढ़िया है। भैया आ गए, भैया आ गए, भैया। रुक जा, कहाँ जाती है? अब तो हिम्मत है तो तू मुझे चाकू दिखा रही है। रुक जा, टच करो, देखो चोट लग जाएगी। छोड़ो मुझे, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे ठीक है, क्या तुझे तो रुक, कहाँ जाती है? लुंगी उठा और निकल ले, दरवाजा खोल दो वरना तोड़ दूंगा मैं। कुछ भी कर लो लेकिन टैटू देख के जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं आती हूँ, सिर्फ टैटू ही दिखाऊंगी, चलेगा ना? तू दरवाजा खोल तो सही। रुक, मैं कहता हूँ रुक। ओह इसकी तो ओ।
गुड मॉर्निंग सर। क्या ये सब? वो दोनों रास्ते पे लड़ रहे थे और तुम उन्हें फिल्म करने के बजाय यहाँ पे बकवास कर रहे हो। अच्छा भला प्रोमो करता, हाइप मिलता, यू मिस्ड। बिल्कुल अचानक से हो गया सब कुछ। एक काम करो, दोनों को बॉक्सिंग के कपड़े पहनाओ और एक प्रेस मीट अरेंज करो। प्रेस मीट क्यों सर? उसी में दम है। उन दोनों को भड़काने के लिए 5 सवाल पूछो और अगर वो आपस में लड़ते हैं तो उनको रोकने के लिए 10 लोगों को लगाओ। दैट सेल्स। हाय एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उस फॉरेन बॉक्सर का क्या हुआ? सर एजेंसी से हमने बात की, वो कहते हैं कि फॉरेन का कोई भी बॉक्सर 15 करोड़ से कम नहीं लेगा। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट है 500 करोड़। यस सर। तो 15 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? ओके सर। अच्छा सुनो, सभी बॉक्सर्स की हिस्ट्री मेरी टेबल पे होनी चाहिए। यस सर। वी हैव टू डू इट फास्ट। सर एक बात कहूं, क्यों ना हम बॉक्सर के लिए एक एसएमएस कॉन्टेस्ट रखें? गुड, वेरी गुड, इंप्लीमेंट करो। सुनो, हमें ग्लैमर ऐड करना होगा जैसे कि क्रिकेट में होता है। चीयर गर्ल्स को ऑर्गेनाइज करो और अगर कोई हीरोइन आ जाए तो और भी अच्छा। जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेशन में भी भोलम कितने आक्रामक हैं। व्हाई दिस कोलावरी? चलिए पूछते हैं उनके कोच रत्नम से। देखिए उसका यही खूनी जुनून उसे जिताएगा, उसके पंच में शेर की ताकत होनी चाहिए। आप ये स्पेशल डाइट टूर्नामेंट के लिए ले रहे हैं? वो सब मुझे नहीं पता, इससे पूछो। ए भोलम, इधर आया। और ये मटन सूप। देख भोलम, चैनल नहीं अग्रीमेंट बनाया तेरे होने वाले मैच के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इस मैच को खेलने के लिए तुझे मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए और जीता तो रकम दोगुनी होगी। पॉइंट नंबर 2, तू चैनल की परमिशन के बिना ये शहर छोड़ के नहीं जा सकता, समझा? ये सब कंडीशन किसके लिए? वैसे भी हमारे भेजे में गुस्ता कहाँ है? ये बताओ साइन कहाँ करना है? कर देता हूँ अभी। वेरी गुड। रुको भोलम, इस पर साइन मत करना। क्यों? अब तुम साइन कर सकते हो। देखा तुमने, मैंने तुमसे सही मुहूर्त में साइन करवा दिए। साइन से कुछ नहीं होता, अरुमुगम को मैं ही मारूंगा। यहीं चिल्लाएगा क्या? अरुमुगम के सर पे खून सवार है तुझे मारने का। बोल रहा था भौंकने वाला कुत्ता है तू बस। सुन, पहले जाकर उसका साइन लेकर आ, वो डरपोक कहीं भाग ना जाए। सुनिए जी, एक बार फिर सोच लीजिए। क्या रे, डर गया क्या तू? बोलम बोल रहा था कि तू डर के कहीं भाग ना जाए शहर छोड़ के। उसने बोला पहले तेरे साइन लेके आने को, लगता है सही बोला था उसने। रुकिए स्टेला। 100 साल की पारंपरिक लड़ाई, अरुमुगम की जीत का जोश, भोलम का खूनी जुनून, कौन होगा तमिलनाडु चैंपियन? अखाड़े में दो योद्धा अपनी जान की बाजी लगाते हुए। Watch live on FSC 12th of August, Saturday. Feel the heat. मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूंगा लौह पुरुष रसामानिकम टीम के अरुमुगम को। और अब मैं बुलाना चाहता हूं प्राकृतिक चिकित्सा मास्टर टीम के बॉक्सर डांसिंग भोलम को, जो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। तो मीडिया के जो भी लोग चाहते हैं इन दोनों से सवाल पूछ सकते हैं। अरुमुगम, सुनने में आया है कि तुम्हारे टीम के लोग हैंड ग्लव्स में पत्थर डालकर फाइट करते हैं, क्या ये सच है? नहीं नहीं। हर फाइट के पहले रेफरी ग्लव्स को चेक करके ही अंदर रिंग में भेजते हैं। भोलम, सुना है जब दूसरी टीम जीतती है तो तुम लोग घंटी बजाकर खेल रोक देते हो? ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। रिंग के अंदर टाइमर होता है जो 3 मिनट बाद अपने आप बजता है। हाउ स्ट्रांग आर आवर बॉक्सर्स फॉर इंटरनेशनल बॉक्सिंग कॉम्पिटिशंस? भोलम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस एनी चैलेंज इन द वर्ल्ड। अरुमुगम, क्या आपको भोलम से हारने का डर है? मैं बॉक्सर हूँ, भोलम फाइटर है। एक फाइटर बॉक्सर को नहीं हरा सकता। तू ये कहना चाहता है कि मैं गली का गुंडा हूँ? आजा तुझे सिखा देता हूँ कि बॉक्सिंग क्या होती है। सब ध्यान दे, अब फोटोशूट के लिए हमारे दोनों फाइटर्स पोज करेंगे। आओ। जाओ, तुम भी जाओ, जाओ जाओ, फोटो खिंचवाओ। बाजार में डरा धमका कर तू लाचारों का सामान तो छीन सकता है, पर ये कब जीतना पड़ता है? ये मैच तो इस कप के लिए नहीं है, ये मेरे पिता के गौरव के लिए है। चला जा, फैसला कर लेते हैं अभी। भूलम, ये क्या कर रहा है तू? प्रेस वाले देख रहे हैं, गली के गुंडे की तरह हरकत कर रहा है। तूने मुझे गुंडा कैसे बोला? आजा आजा आजा।
देख क्या रहा जा, दिखाता हूँ तुझे असली बॉक्सर कौन है। अरे धमकी किसे देता है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर तू कल रिंग में नहीं आया तो तेरे घर के अंदर घुस कर मारूंगा मैं। तूने मेरे गुरु पर हाथ उठाया है, मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। तेरी मौत मेरे हाथ लिखी है। तुम लोग इसकी मौत की तैयारी शुरू कर दो और फिर मिलकर इसकी देर भी मनाना, तुम समझे क्या। लेके चलने से चलो सब, चलो सब बाहर, चलो 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 बाहर, चलो चलो। रुको रुमगा, उसमें और तुम में बहुत फर्क है, तुम गुंडे नहीं हो। सब ध्यान से सुनो, आज सुबह 10 बजे भोलम अरुमुगम को हराने के लिए अंगलम्मा देवी को बलि चढ़ाने जा रहा है। मैं स्टेला। पता है यहाँ क्यों आई हो? आज तक हमारी टीम के बॉक्सर्स रिंग में जीतने के लिए जाते रहे हैं, मगर तुम मेरे पति को मारने के लिए रिंग में जा रहे हो। बिल्कुल सही, जीतना चाहता हूँ मैं, अरुमगम तो मरेगा। किसी को जान से मारना जीत नहीं है भोलम, बदला है। तो क्या हुआ, पिछले 20 साल से जिस बेइज्जती के साथ जी रहा हूँ मैं, ये उसका बदला है। मेरे ससुर ने तुम्हारे पिता को बॉक्सिंग में हराया, तो क्या उसके लिए तुम उनके बेटे की जान लोगे? ऐसा करके तुम उसे ही नहीं उसके पूरे परिवार को मार डालोगे भोलम। स्टेला जाओ यहाँ से, औरत हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, अपने पति के पैरों में गिरो और कहो कि मुझसे ना लड़े। तुम अनाथ हो गए, इसका दुख हमें भी है, पर इसके लिए किसी दूसरे को अनाथ बनाना चाहिए। मुझे अनाथ बनाने वाले तुम्हारे ही लोग थे। कुछ दिन खुद आने के बजाय अपनी बीवी को यहाँ पर भेजता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ आकर रोओगी, गिड़गिड़ाओगी और मैं हार जाऊंगा? नहीं, तुम बॉक्सर ही रहो, खूनी मत बनो प्लीज। चुप हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सर मैच शुरू होने में बस एक ही घंटा बचा है, पर बिजनेस फाइनलाइज नहीं हुआ। ये लड़ाई हो रही है बिजनेस के लिए, जब तक बिजनेस फाइनलाइज नहीं होता मैच नहीं होगा। यस सर। एक घंटा लेट करो मैच को। मैं चाहता हूँ ये मैच भोलम जीते और ये चाहता है इसके खिलाड़ी अरुमुगम जीते। ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? हेलो, इंटरव्यू रोको, ऐड चलाओ, श्वेता से बात कराओ। देखिए मैं एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर। किसका इंटरव्यू ले रही है? ये सब बकवास और बोरिंग है, यंगस्टर्स का इंटरव्यू लो, उनसे सवाल पूछो तभी जोश आएगा। ओके सर। इंस्टिगेट पीपल। भोलम के प्यासे सिंधु यहाँ पीछे मौजूद है, आइए उनसे बात करें इस चैंपियनशिप के बारे में। मैडम, आज रिंग में भोलम जीतेगा या अरुमुगम, आपको क्या लगता है? भोलम इज गोइंग टू रॉक। अरुमुगम, 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 भोलम, 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 भोलम। जिनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, नेशनल चैंपियन गुरुदयाल आ चुके हैं। Give him a huge round of applause. We welcome you, Mr. Dayal. आपको क्या लगता है आज के मैच में कौन जीतेगा? कोई भी जीते, लेकिन वो मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता। भोलम नौसिखिया है और वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, मगर अरुमुगम शांत और फोकस्ड है, इसलिए जहाँ तक मेरी बात है मुझे लगता है कि ये मैच अरुमुगम ही जीतेगा। बंद करिए टीवी। हमारे दोनों बॉक्सर्स को विश करने आ रहे हैं मिस्टर गुरुदयाल। हाय भोलम। क्यों बे? तुझे मैं नौसिखिया लगता हूँ? ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, हिम्मत है तो आजा, तू जंदे वापस नहीं जाएगा। छोड़ो मुझे, चैंपियन अपने घर में होगा।
क्या हुआ? नेशनल चैंपियन है तो कुछ भी बोल देगा। hey, पहले ये फाइट तो खत्म कर, फिर दूसरी फाइट में उसे देख लेना। बिना बात के भड़कने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखो। थैंक्स। इसकी आखिरी फाइट होनी चाहिए। अगर ये तेरे हाथों बच भी गया तो मैं इसे मारूंगा। आज इसी रिंग में इसे खत्म करके जाऊंगा मैं। गुस्सा मत हो, तुम जाओ, हम देखते हैं। बॉक्सर्स गेट टुगेदर। सर टाइम हो चुका है, 20 कंपनियां फाइनल हो चुकी हैं। आप साइन करें तो कंपटीशन शुरू होगा। सर दो लोग नेमिंग राइट्स खरीदना चाहते हैं। वो सस्ते में खरीदना चाहते हैं, इसलिए फिलहाल उन्हें कोई जवाब मत देना। ओके सर। Stop! बोलम, टेंशन मत लो, फोकस करो, फोकस, समझे? मास्टर। हाँ। Keep him under observation, okay? वरना सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सर पर गहरी चोट लगी है, कंडीशन काफी सीरियस है। इतनी गहरी चोट उसे कैसे लग सकती है? गले से दिमाग तक जो नस जाती है उसमें ब्लड क्लॉट है। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि उसके शरीर का एक एक अंग जवाब दे रहा है, इसलिए वो अपना हाथ तक नहीं हिला सकता। हम दवाई दे रहे हैं,
लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी करनी पड़ेगी। ओके, पैसे जमा करा दीजिए सर। अरुमुगम के इलाज के लिए काफी रुपए खर्च होने वाले हैं, और याद रहे कि जितनी जल्दी हम एरिया में वसूली कर पाएंगे उतनी जल्दी रुपए जमा कर पाएंगे। इससे कुछ नहीं होगा, अगर अरुमुगम के लिए कुछ करना है तो उस भोलम को जान से मारना होगा। चल। फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल द्वारा आयोजित इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग टूर्नामेंट की बोली अब शुरू होने जा रही है। फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल IBC के नेमिंग राइट्स की बोली शुरू हो चुकी है, और पहली बोली है 50 लाख रुपए, दूसरी बोली मैजिक साइकिल की 1 करोड़ रुपए, और क्रिस्पी चिप्स ने लगाए हैं 1.5 करोड़। ये हमारी परंपरा की जीत है, खुशी मनाओ। और दोस्तों, IBC नेमिंग राइट्स जाता है इम्पेरिप्योर प्रोटीन फूड फ्रॉम अमेरिका। Let's welcome them. Congratulations. वो यहाँ नहीं है, चल। मास्टर, आपने आज तक जो कड़वी दवा दी हमने पी, लेकिन आज की इंग्लिश दवाई हमारी तरफ से। मास्टर, ये कौन सी बड़ी फाइट थी? अरे मजा तब आएगा जब अपना भोलम इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन बनेगा। सही बात, तभी हम बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे और नाचेंगे। सुन, बोलम किधर गया? ए, बोलम कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता। उसकी जीत का जश्न हो रहा है और वो है ही नहीं। मुझे तो मैच के वास्ते दिखाई नहीं पता। ऐसे मौके पर उसे यहाँ होना चाहिए। बुला के ले गया उसको। चलो, उधर। ये उन कंपनीज की डिटेल है जिन्होंने विनर भोलम पर IBC में बोली लगाई थी। कुछ कंपनीज ने भोलम को ब्रांड नंबर। भोलम कहाँ है? सर, कब से इसका फोन ट्राई कर रहा हूँ मैं, पता नहीं फोन बंद करके कहाँ बैठ गया। फोन बंद है तो उसे घर से उठाकर लेकर आओ। ए, कहाँ जा रहे हो तुम? ऐसे अंदर नहीं आ सकते। कौन हो तुम? भोलम से मिलना है हमें। अरे सर, ये अपने याद नहीं है, आप जाइए, मैं देखता हूँ। भोलम का? हम उसे ही बुलाने आए हैं। तू किसी काम का नहीं। अरे उसे यहाँ होना चाहिए इस वक्त। मास्टर, भोलम वहाँ टीवी प्रोग्राम में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। कहाँ है वो? मास्टर उधर साइन करना है, पता है ना कई एग्रीमेंट साइन करने उसे। जल्दी ऑटो निकाल। ए, उठ। ए, भोलम कहाँ है? अरे वो कहीं भी हो, मुझे गया। मास्टर, भोलम के ग्लव्स, शायद वो यहीं पर था। यहाँ नहीं है वो, चल आगे ढूंढते हैं। मास्टर, अरुमुगम के आदमी भोलम को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। सब क्या है? आज से मैंने बॉक्सिंग ना करने का फैसला किया है मास्टर। तुझे बड़ा बॉक्सर बनाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने शादी भी नहीं की। अकेला फैसला कैसे ले सकता है तू? आप मुझे एक बड़ा बॉक्सर बनाना चाहते थे, मगर मैं एक बड़ा खूनी बन गया हूं मास्टर। माना कि आप लोगों को बॉक्सर बना रहे हो, लेकिन वो बॉक्सर लोगों को अनाथ बना रहे हैं, और वो अनाथ बड़े होकर खूनी बन रहे हैं मास्टर। जो तुमने किया वो खून नहीं था, नॉकआउट था। अगर यही पंच मैंने रिंग के बाहर मारा होता ना, तो आज मैं एक खूनी होता। बाहर का झगड़ा हम रिंग के अंदर निपटाते हैं, और रिंग के अंदर का झगड़ा बाहर आकर। पता नहीं इसकी शुरुआत किसने की, लेकिन खत्म मैं करूंगा। तुम मुझे मारने आए हो ना, चलो मारो मुझे। तुम्हारे जीते हुए रुपयों का क्या करूं मैं? मंदिर में चढ़ा दूं या फिर इन्हें कचरे के डब्बे में फेंक दूं? बोलो। इसे रख, इन रुपयों से किसी भी तरह अरुमुगम की जान बचा लो। मैं सच कह रहा हूं, मुझे माफ कर दो। सुनो, क्या भोलम 8 राउंड के लिए मान गया? मुझे नहीं लगता वो पहले राउंड के लिए भी रिंग में आएगा सर। क्या कहा? अरुमुगम को इतनी बुरी तरह मारने के बाद बहुत सेंटिमेंटल हो गया, मंदिर में जाके बॉक्सिंग ना करने की कसम खाई है उसने, सन्यास ले लिया सर। सटक गया है वो क्या? 500 करोड़ की बोली लग चुकी है, स्पॉन्सर को क्या कहोगे?
अगर ये मैच नहीं हुआ ना तो चैनल बंद हो जाएगा। सर क्यों ना उस पर केस फाइल कर दें? नो, उसकी कीमत 10 कौड़ी की नहीं है। बंदर के खेल में कीमत बंदर की नहीं, बंदर के खेल की होती है। ए, उसे जितना रुपया चाहिए उसके मुंह पे मार। सर उसने तो पैसे के बारे में गरीबी में भी कभी नहीं सोचा, और अब तो संन्यास ले लिया है तो पैसे से बिल्कुल नहीं टूटेगा। कौन रहता है उसके साथ? उसके 4-5 गुंडे दोस्त रहते हैं सर। एक उसकी गर्लफ्रेंड है, वो केरला वाली लड़की, और एक उसके मास्टर। बात किसकी मानता है? वो बात तो किसी की नहीं मानता। कोई कमजोरी उसकी? बहुत जिद्दी है। एक काम करो। बोलिए सर। उसे कुछ और धोती और मालाएं भेज दो, इससे पहले कि वो प्रेस में स्टेटमेंट दे, हम प्रेस को बुला के स्टेटमेंट देंगे। मैच में गुरुदयाल को हराने के लिए सन्यासी बना भोलम, 48 दिन तक अंगलमा देवी की कड़ी तपस्या करके अगला ऑल इंडिया चैंपियन बनने की कसम खाई है भोलम ने। अगर हम प्रेस को कन्विंस भी कर लें तो सर क्या भरोसा कि वो फाइट करेगा? भरोसा करो, यही मंत्र है। वो भोलम सन्यासी हो गया तो क्या मैं चैनल को धार्मिक बना दूं? वो गली का गुंडा है तो मैं व्हाइट कॉलर गुंडा हूँ। वो ग्लव्स के साथ बॉक्सिंग खेलता, मैं बिना ग्लव्स के। अरे मैंने गंजे को कंघी और अंधे को चश्मा बेचा है, वो कल का लड़का मुझे डबल क्रॉस करेगा। सुन लो, ये मैच होकर रहेगा। भोलम और गुरुदयाल, इनके बीच मैच होगा। मैच का प्रमोशन करते रहो। अगर मुझे नुकसान हुआ तो मरेगा भोलम। क्या रे, दिखता नहीं, ऐसे फेंकेगा क्या तू? गलती हो गई मुझसे, मैं नया हूं, काम सीख रहा हूं। ए सुन, क्यों मारा मुझे? आज के बाद इस मार्केट में दिखना नहीं चाहिए तू। तुम कौन हो ये बोलने वाले? बोलम, इन लोगों से क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैं लड़ रहा हूं? सेठ ने मुझे काम दिया, बस अपना काम कर रहा हूँ मैं। करोड़ों रुपए लगाकर कंपनी तुझे प्रमोट कर रही है और तू यहाँ पर चावल की बोरियां उठा रहा है? आज से ये सब बंद, तू सिर्फ गुरुदयाल के साथ बॉक्सिंग करेगा। किसने कहा? उन्होंने, हमारे बॉस ने। ए, सेठ की दुकान बंद कर। अरे अरे देखो क्या कर रहे हो, मेरी दुकान मत बंद करो, देखो धंधा चौपट हो जाएगा। ए भोलम, उस दिन स्टेज पर सबके सामने बड़ा हीरो बन रहा था और आज यहाँ लोगों के बीच मेहनत करने का ड्रामा कर रहा है। तुझे मारे बगैर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझा? अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो मुझे, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, माफ करो मुझे। पूरे तमिलनाडु के सामने तूने मुझे स्टेज पर मारा, अब मेरे हाथों पिटते हुए तुझे पूरा इंडिया लाइव देखेगा, इसीलिए आज तुझे छोड़ रहा हूँ। साहब कान खोल कर सुन लो, सेठ ने इसे नौकरी देने की गलती की और मैंने उसकी दुकान बंद कर दी। इस मार्केट में कोई भी भोलम को 10 रुपए की कुली की नौकरी भी नहीं देगा, ये बात अपने भेजे में डाल लो। अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे नौकरी दी तो पूरा मार्केट बंद करवा दूंगा। चल गाड़ी निकाल। एक ही मुक्के में अपने दुश्मन को पराजित कर दिया, एक ही थप्पड़ में ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियन के होश उड़ा दिए। बदले की आग में है उत्तर भारत और जीत की प्रतिज्ञा लेकर कड़ी तपस्या करता हुआ दक्षिण भारत। भारत का शक्तिशाली कौन जल्द आ रहा है आपके फेवरेट FSC चैनल पर 24 अगस्त। तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, दयाल और चैनल वाले तुम्हें लगातार परेशान करते रहेंगे। तुम जाकर मेरी कॉलेज की कैंटीन में रहो, कॉलेज चेन्नई से दूर है और शांत भी है, वहाँ तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस गल्ले पर बैठ जाओ और तुम्हारा आराम से टाइम पास हो जाएगा। यार डिस्टर्ब करने कौन आ गया रे? अरे लगता कोई नया जोकर है। पीने भी नहीं देते यार। देख के लग रहा है कोई नया मुर्गा है। यही है भूपति, BA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर, एक नंबर का गुंडा है। इसका बाप पॉलिटिशियन है, पूरा कॉलेज इससे डरता है। कॉलेज स्पोर्ट्स डे आ रहा है तो हम कैंटीन फिर से शुरू कर रहे हैं, आदमियों की कमी थी इसलिए इसे नौकरी पर रख लिया। खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। ऐसा क्या सुना तूने? आज से अपना बाहर का चखना बंद, अब हमें ये पंडित खिलाएगा। अच्छा पंडित जी नाम तो बता दो। भोलम। भोलम मतलब भुलक्कड़ है। तेरा भोला भाला थोबड़ा देखकर ही तेरे माँ बाप ने तेरा नाम भोलम रखा होगा। हाँ ए, सुनो सब लोग, इसमें कुछ तो है झोलम, क्योंकि नाम है भोलम। वो से पता है और क्या होता है, भूसा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं।
यार तेरे को बोला था दारू कम पड़ेगी, एक्स्ट्रा लानी चाहिए थी ना। सॉरी भाई, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ए, कल बार वाली लड़की बहुत सही थी ना, तूने बात की उससे? अरे पटा लूंगा यार। ए, ये पंडित तो कहीं देखा हुआ है, बॉक्सर लगता है, शायद टीवी में देखा। ईश्वर, कैंटीन में अभी तक पराठे की डिलीवरी नहीं हुई है, जरा फोन करके पता करो कि लड़का वहाँ से निकला है या नहीं। यार ये वो नहीं है, तूने टीवी में किसी और को देखा होगा। रुक, अभी पता करते। भूसा इधर आ। और कुछ चाहिए? तू बॉक्सर है, कभी टीवी पे आया क्या? नहीं पता नहीं, सब यही पूछ रहे हैं। अच्छा बता, पहले किधर रहता था? रॉयपुरम, वहाँ अंगलम्मा मंदिर में फूल का धंधा करता था। सिंधु ने ही स्पोर्ट्स डे के लिए मुझे यहाँ बुलाया। बोलम आइए सर। ए, देख क्या रहा है, कपड़ा लगा ना, तू इसकी तारीफ कर रहा था ना। यार मेरी बात मान, मैंने इसे टीवी पर देखा है। ए, क्या है सब, तुम यहाँ आकर झूठे गिलास और टेबल साफ कर रहे हो? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना बुरा लग रहा है जानते हो? आप यहाँ पर क्यों आए हो? सुन, ये एक बड़ी एड एजेंसी की मैनेजर है, दवाई की एक एड के लिए तुझे साइन करना चाहते हैं। सही कहा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्लव्स पहनने हैं और पोज देकर बोलना है, मेरी पावर का राज है ये दवाइयाँ, बस इतना ही। मेरी पावर का राज आपकी दवाइयाँ नहीं है, हमारे मास्टर का दिया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा है और मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी है। बॉक्सिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करनी है बस। मैंने कहा ना कि मैं ग्लव्स नहीं पहनूंगा। भोलम आप जाइए यहाँ से, मेरी बात तो सुन। यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मैं एक बॉक्सर हूँ, जाइए। सर चलिए फिर कभी बात करते हैं। यकीन नहीं होता, वो अपने हाथ से इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता है। थोड़ा वेट कीजिए सर, वो अभी थोड़ा टेंशन में है, मैं बात करता हूँ, मान जाएगा। जैसे ही वो हाँ करेगा मैं आपको फिर। वो एस्ट्रे दे। मैं यहाँ पर काम नहीं करता हूँ। अच्छा तो यहाँ पढ़ने आया है? तुझे देखकर लगता नहीं तू स्टूडेंट है। तुम्हें देखकर भी नहीं लगता कि तुम स्टूडेंट हो। तेरी तो मैं नहीं आऊंगा, इन्हें ले जाइए सर। भूपति मैं इनके लिए माफी मांगता हूँ तुमसे, हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो। अरे हम तो अनपढ़ हैं इसलिए गली के गुंडे बन गए हैं, पर तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम गुंडे क्यों बन गए? जान से मार दूंगा। ए, बैठ जाओ सब, कोई शॉर्ट पट्टी नहीं चलेगी, चुपचाप से बैठ जाओ। ए, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। अरे तू यहाँ क्या लेने आया? भाई तुम यही हो, अपने भूपति के साथ किसने लफड़ा कर दिया यहाँ? अभी हम पहुंचे। अरे सुन, अपना भोलम भाई इधर ही तो है, तूने हमें क्यों बुलाया? किस तरह से इस मैच के लिए तैयारी कर रहे हैं आप उनकी ये मेहनत देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं भोलम से लड़ने जा रहे गुरु दयाल की तैयारियाँ, जो की नेशनल चैंपियन है। कोई प्रॉब्लम है? आगे से कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे आके बताना, समझा? ए गोविंद जाके शटर खोल। आईबीसी अपडेट्स के लिए 5454 पर एसएमएस कीजिए। अब अपना अरुमुगम कैसा है, क्या पहले से अच्छा है? कुछ फर्क नहीं है भाई, हालत खराब होती ही जा रही है। हफ्ते में दो दिन उसे शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, उसमें 50-60 हज़ार रुपए लग जाते हैं। हम यहाँ एक आदमी को मारने आए थे, उसे मारते कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन वो मिला ही नहीं। वो आदमी मैं ही हूँ, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे मारने आए हो तो मैं तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें पैसे तो मिल जाते कम से कम। उसका ऐसे जीने से तो मरना अच्छा, उसे इस हालत में देखा नहीं जाता भाई। हमसे जो कुछ होगा वो हम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। अपना दिल छोटा नहीं करते, मैं हूं ना, सब ठीक होगा, मैं बचाऊंगा उसे। अब तुम जाओ यहां से,
मैं पैसे लेकर आता हूँ। ए राहुल, एमजी रोड और बसंत नगर 13 लाख है, वहाँ हर जगह पोस्टर चाहिए। और 13 लाख है मैलापुर अम्बेडकर ब्रिज, कोई जगह ना छूटे। एक मिनट, कौन है तू? दयाल सर से मिलना है। कहाँ से आया? मैं ARC कॉलेज से आया हूँ। किस बारे में बात करनी है? भोलम के बारे में। अरुमुगम के घायल होने के बाद पहली बार तू स्टेला से मिलने जा रहा है, गुस्से में अगर कुछ बोल दे तो बुरा मत मानना। तुम उसकी फिक्र मत करो। ओ भोलम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी बेटा। तुम तो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। अरे तुम इंसान नहीं, देवता हो। तुमने मेरी बेटे की जान बचाने के लिए कितना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। चलो मंदिर चलो। क्या कर दिया भोलम? अगर तूने मुझे ऋण में ही मार दिया होता तो आज ऐसी हालत नहीं होती। बॉक्सिंग छोड़ दी तूने? तुम्हारा बॉक्सिंग से संन्यास लेना इन्हें पसंद नहीं आया। ये चाहते हैं कि तुम फाइनल्स तक जाओ। तुम लोग अभी तक गए नहीं? ऑक्सीजन सिलेंडर निकालना है, रूम साफ करना है, दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम सबको जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? इन्होंने अभी तक पैसे जमा नहीं किए। हॉस्पिटल वालों ने कहा है निकालो इनको, अगर इलाज कराना है तो पहले पैसे लाओ। देखो ऐसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना बहुत महंगा है, यहाँ एक दिन का खर्चा ही 25,000 है। अगर ये नहीं भर सकते तो ऑपरेशन के लिए 5 लाख रुपया कहाँ से लाओगे? अभी मेरे पास 50,000 ही है, इन्हें जमा करा दो, 2 दिन में मैं बाकी पैसे ले आऊंगा, ये ऑपरेशन जरूर होगा। बोलो भोलम। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मैं थोड़े दिन में लौटा दूंगा। क्या बताऊं भोलम, धंधा मंदा चल रहा है, मैं यहाँ दान धर्म करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तुम घर जाओ, धंधे का टाइम हो गया है। हम भी मदद करना चाहते हैं मगर यूनियन की हालत खराब है। जयराम, 5,000 रुपए दे दो इसे। आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान देकर भी उसे बचाऊंगा मैं। 1960 में मुझे ये मेडल मिला था, इस मेडल के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। तुम इसे बेच दो और किसी भी तरह अरुमुगम को बचा लो। कल बोलना चाहिए था ना, मेरे पास जो भी था कल तुम्हारे ऊपर सट्टा लगा दिया। क्या मेरे ऊपर? अगला PM कौन होगा, लोग उस पे सट्टा लगा देते हैं, और मैं तेरे मैच पे सट्टा नहीं लगाऊंगा। मेरी इस गाड़ी की 4 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, रीफाइनेंस करके उसका इंस्टॉलमेंट भर दो और बाकी की जो रकम है उसे जाकर हॉस्पिटल में भर दो। 4 लाख में से 40,000 इंस्टॉलमेंट में कट जाएगा, इंश्योरेंस नेम ट्रांसफर और डॉक्यूमेंटेशन का 12,000 लग जाएगा, हाथ में 3,48,000 आएंगे। थैंक यू भाई। पागल हो गया क्या? ए, मैंने कहा था ना इसकी मदद कोई नहीं करेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसकी मदद करने की? तूने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, दारा सिंह ने सेठ से मैं बात कर लूंगा। आज से सेठ का राइट हैंड मैं हूँ, मुझसे लड़े बिना तू ये शहर छोड़कर नहीं जा पाएगा। तू जहाँ जाएगा वही आकर मारूंगा, तेरी मौत के फरमान पर मैं साइन कर चुका हूँ। तू कुछ भी कर ले बचेगा नहीं तू। क्या चल रहा है यहाँ पे? देखे ना इंस्पेक्टर साहब, ये जबरदस्ती हमारी गाड़ी ले जाना चाहते हैं। ए, तेरे बारे में जानता हूँ मैं, तेरे आदमियों ने अरुमुगम के दोस्त को मारा, वो अभी सीरियस है, पता है तुझे? अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में तुझे अरेस्ट करता हूँ। लेकर चल इसे, चल थाने तुझे दिखाता हूँ, गाड़ी में डालो इसे। चलो आप मेरी बात तो सुनिए। कंडीशनल बेल के लिए अप्लाई किया है, तुम्हें बस इतना करना है कि लोकल स्टेशन जाकर कुछ दिन साइन करने होंगे। कंडीशनल बेल है, चेन्नई छोड़कर तुम कहीं नहीं जा सकते, हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर साइन करना होगा। सर मैं यहाँ पर नहीं, शहर से काफी दूर रहता हूँ, रोज यहाँ गांव से आना। अदालत तुम्हारी बात सुनेगी? ठीक है जाओ, पास के थाने में साइन करना। सिर्फ हफ्ते में एक दिन नहीं, तुम्हें रोज यहाँ आके यहाँ पर साइन करना है। अरुमुगम के ऑपरेशन के लिए तुझे रुपए जमा करने हैं, अब क्या करेगा? और कोई रास्ता नहीं, तुम्हें बस ग्लव्स पहनकर पोज देना है और एक्टिंग करनी है। 5 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है मास्टर, मगर इसे कहीं और नहीं बुलाना, कॉलेज में ही शूट करवा लेना। क्या सोच रहा है? मास्टर रुपए तो मुझे पहले चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मैं ऑटो लेकर आ जाऊंगी। हाँ। किसका फोन था? दरअसल हॉस्पिटल से फोन था, पैसे जमा करने को बोल रहे हैं, वरना कह रहे हैं घर ले जाओ। रुपए अभी मिल जाएंगे, तुम बस मेरा वेट करो। क्या हुआ मास्टर?
वो एड वाले लोग अभी तक यहाँ आए नहीं है और स्टेला भी वेट कर रही है। वो लोग कॉलेज में होंगे, पैसे लेकर जैसे वो कहते हैं वैसे करो। मगर पैसे तो पहले मिल जाएंगे ना? हाँ हाँ, बात हो चुकी है, मिल जाएंगे। हेलो सर, नमस्कार, ये हमारे एड डायरेक्टर हैं। नमस्ते सर, है? क्या करना होगा? ये ड्रेस पहन के तुम वेट करो, जब रेडी हो जाओगे मैं सब बता दूंगा। ठीक है, ये लीजिए सर। स्टेज रेडी है? हाँ सर रेडी। बैकग्राउंड में बैनर चेक करो जरा। मैंने चेक कर लिए, आप देख लीजिए प्लीज। रेडी हो जाइए। रुपए मैं अभी लेकर देता हूँ। सर शॉट रेडी है, आ जाइए। शंकर जी, सर सर को सब कुछ अच्छे से सब। हाँ हाँ, वो पैसे अगर मिल जाते तो? मिल जाएंगे सर। सुनो सर, सर को 5 लाख रुपए दे दो। जी सर, बात तो पहले हो चुकी है ना सर। अरे जल्दी दो। दे रहा हूँ सर। लो इन्हें जमा करा और उनसे कहो कि ऑपरेशन की तैयारी करें, मैं शाम को आता हूँ। अकेले चले जाओगी ना? चली जाऊंगी। संभल कर जाना। हाँ। मैं आता हूँ। यस, कम ऑन, गेट रेडी, गेट रेडी। क्या करना होगा मुझे? इसको ऐसे पकड़ना है और सॉलिड पोज मारना है, समझे? अगर दुश्मन को करना है नॉकआउट तो खाइए 80 नॉट आउट। कट कट कट, बहुत बढ़िया सर, अब इसी के क्लोजअप काटेंगे। इधर से काट। अरे वो पीछे आ रहा है, सब अलग अलग हो जाओ। चलो चलो भीड़ में घुस जाओ। वो हमारे पीछे है, ग्राउंड में भागो जल्दी। कुछ भी हो जाए इसके हाथ नहीं आना है। ले कैच कर। हाँ आगे दे, फेंक फेंक आगे, फेंक आगे, फेंक। चल उसके पास फेंक। दे 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 मुझे, दे मुझे। चल चल भाग भाग। ले कैच, ला इधर, ला इधर। जा, 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 उससे पकड़, उससे पकड़। ए सुन, ये ले, चल भाग 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 जल्दी भाग, ले भाग। ए हट 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 हट, दे मुझे। दयाल और भोलम लड़ रहे हैं, जल्दी चलो। बचकर नहीं जाएगा, बहुत अकड़ है ना तुझमें।
देखिए घमासान फाइट, कौन बनेगा अगला इंडियन चैंपियन, ये जानने से पहले लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। अभी तक हुए मैच में भोलम ने गुरुदयाल को नॉकआउट किया, मगर दयाल के पॉइंट्स भोलम से ज्यादा होने की वजह से इस मैच का विनर है गुरुदयाल। मुबारक हो सर। थैंक यू। ये क्या हो रहा है यहाँ? और पैसे कहाँ है मेरे? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस रिंग में आकर तुझे मारने को कहा था। किसने? तेरे मास्टर ने। बोलम मास्टर, मैंने तुम्हें अपना पिता जैसा समझा, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने मुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था? उसी दिन जहर देकर? मास्टर! 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 क्या सिर्फ हार चढ़ाने से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी? हमें इंसाफ चाहिए। ए, रुको, छोड़ूंगा नहीं मैं। पहले टीवी चैनल वालों से सौदा किया, फिर फाइट के लिए उन्हें बॉक्सर दिया, और आज उन्होंने हमारे मास्टर को ही मारा। शांत हो जाओ, हमने कब कहा कि हम इंसाफ नहीं चाहते? जब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनो, रत्नम यूनियन का सीनियर मेंबर था, पहले उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं, फिर हम सब मिलकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे उसके लिए। आइए आप हार पहनाइए, आइए आइए, हम इंसाफ लेकर रहेंगे। हम बॉक्सिंग यूनियन से हैं, चैनल के मालिक से मिलना है। अगर तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है तो ही मिल सकते हो, वरना फुट लो यहाँ से। ए पागल है क्या? नीचे उतर, नीचे उतर तू। मैंने कहा ना नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकता। ये सब क्या है? अरे बोला था ना, बोलम से पंगा लेके गलत किया हमने, महंगा पड़ा ना, मामला वहीं खत्म करते तो ये नमत ही ना आती। नीचे उतर, नीचे। सिर्फ कुछ लोगों को अंदर बुलाओ। सर एक प्रॉब्लम है, बॉक्सिंग यूनियन के लोग यहाँ नफरत कर रहे हैं, वो चाहते हैं भोलम को विनर अनाउंस किया जाए। मुझे फोन क्यों किया?
मेरे वहाँ आने तक एक मक्खी भी नहीं होनी चाहिए, सबको भगा। hey, या हमारा फैसला फाइनल होता है। अगर भूलम अचानक से मैच खेलने से मना कर देता है तो क्या हमारे बॉस जाकर उसके हाथ पैर जोड़ेंगे? सुनो, मैच लड़ना है या नहीं ये डिसीजन बॉक्सर लेगा। उसी तरह विनर कौन होगा ये बताना हमारा अधिकार है। अगर टीवी सीरियल में कोई एक्टर कोऑपरेट नहीं करता है तो उसके कैरेक्टर को मार के कहानी बदल देते हैं। इसके साथ भी यही होगा। सीरियल की क्या बात करते हो, तुम लोगों ने तो हमारे मास्टर को मार दिया। तुमने जो किया है वो बॉक्सिंग रूल्स के खिलाफ है। हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। तुम चाहो तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट क्यों जाना पड़ेगा, यूनियन और चैनल ने साथ में अग्रीमेंट किया था। आप हा? अंदर चलिए, अंदर चलिए, ठीक है, अंदर चलिए, अंदर चलिए। आप बिना जवाब लिए हम नहीं जाएंगे। क्या कहा? नहीं जाएंगे। मॉर्निंग सर। ये क्या बकवास है, हाँ? छोटी छोटी बातों के लिए मुझे परेशान करते हो। कांट यू टेक योर ओन डिसीजंस? डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। सर, हमने जो एसएमएस कॉन्टेस्ट रखा था इंटरनेशनल बॉक्सर के लिए, उसका रिजल्ट आ गया है। पब्लिक ओपिनियन क्या है? सर, हमें अभी तक कुल मिलाकर 5,00,000 वोट मिले हैं। इनमें से 3,00,000 लोगों ने व्लादिमीर को वोट किया है और 1,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलेक्जेंडर को वोट दिया। साथ ही 10,000 लोगों ने माइक टाइसन और मोहम्मद अली तक का नाम लिया है। सिर्फ बालाजी नाम के एक स्टूडेंट ने अमेरिकन बॉक्सर स्टीफन जॉर्ज का नाम लिया है, जिसे 1 साल पहले बॉक्सिंग से बैन कर दिया था। उसने गलती से सेलेक्ट कर लिया होगा। नहीं, उसने सही सेलेक्ट किया है। मैंने भी जॉर्ज को सेलेक्ट किया है। बैन हटते ही जॉर्ज का पहला मैच इंडिया में होगा। सर, वो एक साइको है, वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। नाम सुनते ही पसीने छूट गए ना, यही तो सेंसेशन है। वो व्लादिमीर और अलेक्जेंडर सिर्फ नाम के बॉक्सर्स हैं, जबकि इसमें है एक आग। इस टूर्नामेंट में किसी की डेथ होनी चाहिए थी, पर पहले दो मैचेस में नहीं हुई, पर इस मैच में होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, मिस्टर जॉर्ज आपका कॉन्फ्रेंस कॉल में वेट कर रहे हैं। ओह वाओ, गेट हिम ऑनलाइन, दैट्स ब्यूटीफुल। हेलो मिस्टर दीपक। हेलो मिस्टर जॉर्ज। जैक ने बताया मुझे टूर्नामेंट के बारे में। वेलकम टू इंडिया, थैंक्स फॉर कमिंग। देखो, मैं इंडिया खेलने नहीं आ रहा हूँ। आई'ड लाइक टू किल एन इंडियन। वाकई? फिक्र मत करो, मैं भी यही चाहता हूँ। नो वरीज, सी यू। कम मजा आएगा, कम सून। दैट्स इट। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉर्ज चेन्नई आ रहे हैं। वो इस महीने के अंत में हो रहे इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। आज तक जॉर्ज 6 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं। क्यूबा में हुए बॉक्सिंग मैच के दौरान नियमों का उल्लंघन करके अपने विरोधी को मारने के लिए उन्हें 1 साल के लिए बॉक्सिंग से बैन कर दिया गया था। बैन हटने के बाद ये उनका पहला मैच होगा और इसीलिए इंडिया और पूरी दुनिया में बॉक्सिंग फैंस के बीच आने वाले मैच को लेकर काफी उत्साह और जोश है। अब देखना यह है कि वो लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जॉर्ज एक मानसिक रोगी हैं और वो खेल को खेल की भावना से नहीं खेलते। Your Honor, बॉक्सिंग के नाम पर टीवी चैनल वाले बच्चों के दिमाग में हिंसा भर रहे हैं। चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और रुपया कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि अभी होने वाले आईबीसी चैंपियनशिप पर रोक लगा दी जाए। आज इंडिया में एक ही सवाल है कि क्या गुरुदयाल और जॉर्ज के बीच में ये मैच होगा, क्योंकि जाने माने लॉयर नटराजन ने हाल ही में इस मैच को रोकने के लिए कोर्ट में एक केस फाइल किया है। इसी पर खास बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बॉक्सिंग एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रशेखर। आपको क्या लगता है? जॉर्ज एक मानसिक रोगी है। बॉक्सर्स हमेशा रिंग के अंदर आक्रामक होते हैं, मगर जॉर्ज प्रैक्टिस सेशन में भी इतना आक्रामक होता है कि वो अपने विरोधी पर जानलेवा हमला कर देता है। इतना ही नहीं, वो ड्रग्स लेता है और अपनी बीवी को रेप करने के जुर्म में अरेस्ट भी हो चुका है। इस जानवर के साथ मैं नहीं लड़ सकता, क्या इसीलिए चैनल ने मुझे जिताया था? डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार जॉर्ज किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, इसलिए निर्धारित दिन पर ये मैच खेला जाएगा। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये कोर्ट का फैसला है। हेलो सर, मैं दयाल बोल रहा हूँ, मैं अर्जेंटली मुंबई जा रहा हूँ। क्या दयाल, अचानक जा रहे हो? अगले मैच के लिए अभी 10 दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर अपनी वाइफ और अपने बच्चे से मिलाऊं। ओह, फ्लाइट की टिकट बुक कर ली है या मैं कर दूं? नहीं नहीं, मैं बुक करा चुका हूं, मैंने करा ली है। थैंक यू सर। क्या हुआ? यस सरप्राइज डार्लिंग। क्या हुआ दयाल, शॉक लगाना। मैं जानता था तुम शादीशुदा इंसान हो, अपनी बीवी से मिलना चाहते हो, अपने बच्चे को देखना चाहते हो। ओके, कम ऑन बेटा, लेट्स गो। अगर तुम इस मैच को छोड़कर शहर से भागे ना, तो तुम सब दुनिया से जाओगे। भूलम के साथ क्या हुआ, भूल गए?
तुम देख रहे हो बेचारी कैसे रो रही है, कितना टॉर्चर किया होगा। हमें जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। हम इन टीवी चैनल वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमें प्रस्ताव लिखकर इस मैच को रोकना चाहिए। चलो प्रस्ताव लिखो, गुरु दयाल पर उसकी मर्जी के बिना ये मैच खेलने के लिए दबाव डाला जा रहा है, इसलिए इस मैच का हम विरोध करते हैं और यूनियन ये मैच नहीं होने देगी। जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाए। हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं, हम सहमत हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। मैच मत रोको, मैं फिर से बॉक्सिंग करना चाहता हूँ। ये क्या है, कभी कहते हो खेलना है, कभी कहते हो नहीं खेलना है, हम क्या तुझे पागल दिखते हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैच में हारने की वजह से तेरे मास्टर ने सुसाइड कर दिया है। मेरे मास्टर की मौत उस वजह से नहीं हुई है, मरने से पहले एक लेटर लिखा था उन्होंने, पढ़िए से। भोलम, जब तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी तो एक दिन चैनल के ओनर ने मुझे मिलने के लिए अपने ऑफिस बुलाया, मैं उसे मिलने गया। आइए आइए। नमस्ते सर। आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए। ओके सर। प्लीज कम सिट डाउन। आपके यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। मैंने अपनी लाइफ में बहुत काबिल लोग देखे, मगर भोलम के जैसा काबिल इंसान चिराग लेके ढूंढने पे नहीं मिलेगा। सोचा उसे एक इंटरनेशनल बॉक्सर बना के एक एकेडमी शुरू करूंगा, और जानते आप बनेंगे उसके कोच। भोलम को फिर से बॉक्सिंग करवाओ। मैंने उसे कितनी बार कहा है लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। तो एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है, वो एक एड में काम करेगा और फिर उसे मैच में बदल के हम उसे जिता देंगे। सच कहूं तो इतने साल आपने उस पे जो मेहनत की है तो कोई बड़ी बात नहीं की आपने, मगर अब जो आप उसके लिए करेंगे उससे उसकी जिंदगी बदल जाएगी। उसे आगे बढ़ने से मत रोको, हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नहीं सर, ये धोखा होगा, वो मुझे अपने पिता समान समझता है। क्या बात करें हा? कौन सा बाप अपने बेटे को सन्यासी बनाता है बताइए। मेरे जितनी चिंता आपको नहीं है उसके लिए। अगर आप एक पिता और गुरु का कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो पहले जाके उसे बॉक्सिंग करने के लिए तैयार करें। मुझे तुम्हें एक इंटरनेशनल बॉक्सर बनाना था, इसलिए मैं उसके प्लान में शामिल हो गया। तुमने भोलम हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। किसी को हीरो या जीरो बनाना मेरी मर्जी। तुमने मेरे भरोसे का कत्ल कर दिया। मैं जो कहूंगा वो मान लोगे क्या? मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारा इस्तेमाल किया। तुम प्राकृतिक चिकित्सा बॉक्सिंग टीम के मास्टर हो, जबकि मैं बिजनेस करता हूँ, वो भी पूरी दुनिया में, सब मेरे इशारे पे नाचते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, जो तुमने किया वो धोखा है। एक गुरु और पिता समान होकर तुमने उसे धोखा दिया। निकला बोलम, मैं तुम्हें हारता हुआ नहीं देख सकता था, और धोखेबाज बनकर जीना ये मुझे कतई मंजूर नहीं था। हम आज आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं लेकिन कल एकजुट हो जाते हैं। अरुमुगम और मुझ में दुश्मनी थी, वो मुझे मारना चाहता था और मैं उसे मारना चाहता था, ये बात समझ में आती है। मगर पैसों के लिए उस टीवी चैनल वाले ने मुझे धोखे से मैच हरा दिया, जो कि गलत है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि हमारा असली दुश्मन कौन है, इसे खत्म करना होगा हमें। इस लड़ाई के लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो। ये सिर्फ लड़ाई नहीं, क्रांति है ये। आज तक हमने कितने मुक्के खाए और कितने मुक्के मारे हैं, लेकिन उसने हमेशा इससे पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया कि अपने हर घाव का हम उससे बदला लें। मैं उसका साम्राज्य मिटा दूंगा, इसमें आप सबको मेरा साथ देना होगा। इसलिए इस मैच को रोकने की कोशिश मत करो, इसे होने दो, मैं लड़ूंगा। पर तुम कैसे लड़ोगे? चैनल तो दयाल और जॉर्ज के मैच का अनाउंसमेंट कर चुका है। उसे मैं संभाल लूंगा, जॉर्ज को दयाल के साथ नहीं अपने साथ फाइट करने के लिए मजबूर कर दूंगा मैं। ये जॉर्ज को जानता नहीं है, कुछ भी बक रहा है, उसके सामने ये टिकी नहीं पाएगा। मेरी उम्र हो चुकी है, वरना बॉक्सिंग के लिए मैं उतरता रिंग में। कैसी बातें कर रहा है, टाइसन से लड़ना फिर भी आसान है, पर तू साइको से नहीं लड़ सकता, वो पागल है। अगर इंडिया में कोई उसे टक्कर देने वाला नहीं है तो ये शर्म की बात है। इस लड़ाई में रिस्क है, मगर फिर भी ये लड़ाई होकर रहेगी, और इसके लिए हमें भोलम का सपोर्ट करना चाहिए। जिन्हें ये बात मंजूर है वो अपना हाथ उठाएं। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, हमें मंजूर है, मंजूर है। ये बताओ भोलम, तुमने जॉर्ज से लड़ने का फैसला इमोशनल होकर लिया है ना? नहीं, सोच समझ कर ठंडे दिमाग से लिया है। तुमने कब ठंडे दिमाग से फैसला लिया है? अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए तुम अरुमुगम से लड़े, और जब वो हॉस्पिटल में था तो तुमने बॉक्सिंग छोड़ दी।
और अब जॉर्ज से लड़ने का तुम्हारा फैसला भी इमोशनल है। अरुमुगम के बारे में तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जॉर्ज से लड़ने का फैसला मैंने सोच समझ कर किया है। ये कोई नॉर्मल बॉक्सिंग मैच नहीं है, ये बहुत रिस्की है। तुम कहना क्या चाहती हो, कि मैं जॉर्ज को हरा नहीं सकता हूँ? मैंने ये कब कहा? तुम जीत सकते हो और जॉर्ज हार सकता है, लेकिन ये भी तो मैं हार जाऊंगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे? वैसे भी मैं ये बात करने नहीं आई। तुम कहना क्या चाहती हो? आज तक तुम्हारा हर मैच मैंने ऑडियंस बनकर देखा, मगर जॉर्ज के साथ लड़ाई तुम्हारी पत्नी बनकर देखना चाहती हूँ। जॉर्ज से लड़ने से पहले तुम मुझसे शादी कर लो। ये शादी अचानक से? मैच हो जाने दो, फिर शादी कर लेंगे। तुम टाल क्यों रहे हो? तुम्हें क्या आग लगी हुई है? जब तुम उसे हराओ मैं तुम्हारी पत्नी रहूं। क्यों, मेरे हार जाने का डर है तुम्हें या फिर मेरे मर जाने का डर? जॉर्ज मुझे मार देगा ये सोचकर डर रही हो? तुम जीतोगे भी मेरे पति बनकर और हारोगे भी मेरे पति बनकर। अगर लड़ाई में तुम मर भी गए तो मैं तुम्हारी ही विधवा कहलाऊंगी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसीलिए लड़ाई से पहले शादी करने से डर रहे हो। और उसी डर के मारे तुम मैच से पहले शादी करना चाहती हो? मान लेती हूँ मुझे डर लग रहा है, मगर तुम्हें तो डर नहीं है ना, शादी कर लो। तो ठीक है, बोलो कब करनी है शादी? क्या बात है सर। वाओ, वेलकम वेलकम द ग्रेट मैन, हाउ आर यू? हार बेन आउट। थैंक यू। हियर इज द क्राउन, ये आपके लिए। क्या वो तैयार है लड़ने के लिए? हाँ वो तैयार है, आपके इंतजार में है, बस निकल जाओ उसे। चलो चलो चलो, क्या भीड़ लगा रखी है। जॉर्ज ने बस दो सवाल कर एक सवाल पूछ लीजिए बस। अरे तुम पीछे हो ना, पीछे होके बात करो यार, और तुम उनको देखो। How is it? Leave me! Leave me! What do you want? Come on! Go on, you dog! कौन था वो इडियट्स? मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ। तुम रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, आराम करो। I hate this shit. टेंशन मत लो, रिलैक्स करो। मैं इसको कितनी मुश्किल से लाया हूँ, लेकिन ये लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। आपके होटल में अमेरिकन बॉक्सर जॉर्ज आया है, मुझे उससे बात करनी है। एक्सक्यूज मी सर, भोलम लाइन पर है और वो जॉर्ज से बात करना चाहते हैं। कट करो कट करो कट करो इस फोन को। सुनो, कोई भी उससे बात ना कर पाए। ठीक है सर। रूम बॉय के अलावा प्रेस, फैन, मीडिया, कोई भी उससे बात ना करे। ओके सर। यही क्या है? ये ड्रेस, वो मुझे औरत समझता है। बोलम कहाँ है बता मुझे।
Hey! तुम लोग बात कर रहे हो? Hey! पता नहीं इन लोगों को क्या हुआ? क्यों भाग रहे हैं? Hey! Hey! मुझे भोलम का एड्रेस दो। Hey! भोलम कहाँ है? रुक रुक, मैं आता हूँ। What's this? भोलम वहाँ वेट कर रहा है। Hey! Hey! भोलम कहाँ है? बॉक्सिंग शू, भोलम तेरा वहाँ वेट कर रहा है। Hey, तुम बताओ भोलम किधर है? ये ले, ट्राउजर। कहाँ है भोलम? वहाँ। अरे मैं तो हमेशा पानी भरने रात में ही जाती हूँ। भोलम कहाँ है? Where is he? किधर है वो? ये लो, काम आएगा। किधर है वो? वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा है। जाओ जल्दी। अरे मेरा ऑमलेट कहाँ है? अरे बन रहा है। Hey, भोलम किधर है? यहीं मिलेगा, यहीं पर। रुक, मैं बताता हूँ। सुन गोरे, भोलम सिर्फ मर्दों से लड़ता है, औरतों से नहीं लड़ता। ग्लव्स पहन और मर्द बनकर रिंग में आ जा। क्या? भोलम, बॉक्सिंग ओनली बॉयज, नो गर्ल्स। लीव मी, आई किल हिम। कम फाइट, हे कम फाइट, यू हियर? कम फाइट, हेलो, कम हियर, फाइट, किल हिम। Come on! Power of the sun now! Come on! दोस्तों, Future Channel आज तक सिर्फ एशिया में टेलीकास्ट होता था, मगर आज से यूरोप के 47 देशों में और दुनिया के 97 देशों में भी टेलीकास्ट होगा। हमारा अलग सैटेलाइट, डायरेक्ट अपलिंक और अलग सर्वर है। आज से दुनिया का फ्यूचर हमारी मुट्ठी में है। बॉक्सर्स की ड्रेस के स्पॉन्सर्स हैं एबी टैबलेट्स, एम्प्री प्योर प्रोटीन फूड, हैप्पी प्रीमियम सोडा, सुपर फास्ट साइकिल, स्काई स्पोर्ट्सवेयर और मुरुमुरु चिप्स। बॉक्सर ड्रिंक के स्पॉन्सर हैं बॉय कूल ड्रिंक्स, पालाकार ड्रिंक्स और प्योर ड्रिंकिंग वाटर। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सारे चैनल्स अपने अपने देशों में आईबीसी टूर्नामेंट फाइनल मैचेस को टेलीकास्ट करेंगे। तो इसी तरह उनके चैनल्स के स्पेशल प्रोग्राम्स को हमारे यहाँ पर टेलीकास्ट करने के सभी लीगल राइट्स हम लोग लेंगे और अगले 2 साल में हम दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में शामिल होंगे। क्या है? हाँ। और मारो। You don't like me? मेरे पास आओ और फिर बात करो। ये कुछ नहीं है। मैं इसको मार दूंगा। I will kill him. रुको, रुको, रुको। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं तो बस जॉर्ज से फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन ये टीवी चैनल वाले मुझे उसे लड़ने नहीं दे रहे। पर तुम तो गुरुदयाल से हार गए थे। उस फाइट की सच्चाई क्या है ये तो सब लोग जानते हैं। बॉक्सिंग के रूल्स के बारे में जानना है तो ये गोरा खड़ा इसी से पूछ लो। चैनल का डिसीजन सही था, रूल्स के मुताबिक जॉर्ज की फाइट दयाल से ही होगी। तुम्हारे जैसे निकम्मे लोग ही खिलाड़ी को चूज करते हैं, तभी तो इंडिया का ओलंपिक्स में एक मेडल नहीं आ पाता, एक भी नहीं। कभी आओ हमारे एरिया में, तेंदुलकर, धोनी, मोहम्मद अली और माइक टाइसन गली गली में मिलेंगे। अगर जॉर्ज तुमसे लड़ना ही ना चाहे तब तुम क्या करोगे? जॉर्ज यहाँ इंडिया में आकर किसी भी ऐरे गहरे बॉक्सर को हरा के पूरी दुनिया में ये कहे कि मैंने इंडिया को हरा दिया, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे लड़े बिना वो कैसे इंडिया छोड़कर जाता देखता हूँ मैं। पूरी दुनिया जॉर्ज से डरती है, तो आप उससे क्यों लड़ना चाहते हैं? तो दूसरों की तरह मैं भी डरूं उससे? वो लोग कैप्सूल खाकर बॉक्सर बने होंगे, मैं एक खानदानी बॉक्सर हूँ, जो चाहे आजमा ले। Do you accept Bholam's challenge? Please, और कोई सवाल मत पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसल्ड। Come on, let's move. Come on, John. You can't stop me, idiot. तुम्हें चाल से मार दूंगा। Hey, बजाओ उसका बैंड। कुचल डालो इसे। और जोर से। ये लोग आखिर है कौन? Don't mess with me. Don't mess with me. बहुत बढ़िया। टुकड़े कर दो इसके। मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं भोलम। मैं सिर्फ भोलम से ही लड़ूंगा। मैं इंडिया आया एक शो फाइट के लिए, लेकिन अब मैं दिखाऊंगा एक रियल अग्रेसिव फाइट। बहुत हुआ बात, अब होगी लड़ाई। सामने आने दो उसे, मैं करूंगा नॉकआउट।
तुम कह रहे हो कि तुम सिर्फ भोलम से लड़ोगे? और तुम प्रेस में कैसे गए विदाउट माय नॉलेज? भोलम सबसे बेस्ट है, लड़ना पड़े तो स्ट्रीट्स पे भी लड़ूंगा उस समय। रहना रहो वरना बाहर में जाओ। सुनो सर, ये आदमी जॉर्ज कहता है कि सिर्फ भोलम से फाइट करेगा, जाके उसे एक एग्रीमेंट साइन करो। लेकिन सर जो तो बोला वो कर। भोलम, आज से तमिलनाडु में दो बॉक्सिंग टीम नहीं, एक बॉक्सिंग टीम होगी, हमारी तमिल टीम। हमें हराने आए उस घोरे को तुम्हें धूल चटानी है, और हमें लड़वाने वाले उस टीवी चैनल को भी। आओ। क्या बात है भोलम, प्रेस मीट में तो तूने फाड़ दिया यार, पूरे अखबार में तेरी न्यूज छपी है। पर ये सब देखने के लिए बेचारे तेरे मास्टर जिंदा ही नहीं बचे। चल छोड़, ये अग्रीमेंट पे साइन कर दे। सुन चमचे, तू मालिक नहीं, अपने मालिक को आने को बोल। अभी तू पागल हो गया? दीपक सर इतने बड़े चैनल के मालिक है, और इतनी घटिया सी बस्ती में तू बुलाना चाहता है उन्हें? ये घर है हमारा, हमसे पैसे तो कमा सकता है लेकिन इस बस्ती में नहीं आ सकता। अगर वो ये मैच चाहता है तो उसे बॉक्सिंग यूनियन भेज, जा चलेगा। हाथ क्या थोड़ा हिला दिया मेरा जबड़ा। आओ शुरू करो। सर अभी तक तो ये चैनल फ्री था, लेकिन आपने इसे पे चैनल कर दिया, लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे? हमारा चैनल एक नशा है, उसके बिना आप लोग नहीं रह सकते, तो अब जाओ और उनसे पैसे लेके आओ। सर जरा ये देखिए, ऑडिटोरियम में पार्किंग एरिया की बोली लग चुकी है। एक्सक्यूज मी सर, टिकट्स प्रिंट हो चुकी हैं। अब इन स्पेंसर, स्काईवॉक, लैंडमार्क जैसे बड़े मॉल्स में बेचो। ओके सर। कार पार्किंग और टू व्हीलर पार्किंग दोनों के लिए अलग अलग बोली लगी है। एक्स्ट्रा गाड़ियों के लिए हमने एक ग्राउंड। यस सर, आप साइन कर दीजिए। बोलम से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लिए। क्या हुआ सर? बोलम कह रहा है कि अगर आप ये अग्रीमेंट चाहते हैं तो आपको बस्ती में जाना होगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सेंटिमेंटल आदमी है, मंदिर में बैठ के साइन करेगा। बॉक्सिंग यूनियन के ऑफिस में साइन करेगा वो। मंदिर में साइन करो या बॉक्सिंग यूनियन में बैठ के साइन करो, काम पूजा ही तो होती है। वहां साइन करेंगे तो भी इतिहास रचेंगे। जी सर। चलो, वैसे बुलाया कब है? सर आप तो कभी भी जा सकते हैं, मतलब नो। उनके बताए वक्त पे ही जाएंगे, वरना भोलम सर नाराज हो जाएंगे और तुम्हें बुरा लगेगा। चलो। सबको नमस्कार। सुनो। यस सर। अग्रीमेंट पढ़ के सुनो। यस सर। अगर भोलम सर को कोई करेक्शन चाहिए तो उसे अभी करो और एडवांस दे के साइन कराओ भोलम सर से अभी। ये अग्रीमेंट फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल में होने वाले बॉक्सिंग टूर्नामेंट का है। इस अग्रीमेंट का पहला पक्ष है एसपी दीपक शाह और दूसरा पक्ष मिस्टर भोलम, शिवशक्ति सेक्टर 6 मेन रोड। होय, हमारा एड्रेस हमें ही बता रहा है, सिर्फ कंडीशन पढ़ के बता, पागल कहीं का। पहली कंडीशन, आने वाले 3 साल तक चैनल की तरफ से होने वाले सारे बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भोलम को हिस्सा लेना होगा। दूसरी कंडीशन, मैच में इंटरवल के दौरान जो ड्रिंक चैनल देगा वही उसे पीना होगा, बिना परमिशन के किसी भी कारण वो अपना भेष नहीं बदल सकता। अगर उसे शेविंग भी करनी है तो उसे NOC लेनी पड़ेगी। ए, इसे तुम एग्रीमेंट कहते हो? अकल नाम की चीज है या नहीं? कान खोल के सुन लो, मैं 3 साल के लिए गुलाम नहीं बनूंगा, मैं बस यही मैच लड़ूंगा, इसके अलावा कोई और नहीं। जो ड्रिंक तुम मुझे दोगे वो मैं नहीं पीऊंगा। हर राउंड के बीच में मुझे क्या पीना है ये बात मेरे गुरु ने अच्छी तरह से समझाई हुई है। सर उसके एक मैच लड़ने की कंडीशन हम मान सकते हैं, मगर रिंग में हमारे दिए हुए ड्रिंक नहीं पीने की कंडीशन हम किसी हालत में नहीं मानेंगे, क्योंकि पॉय कोल्ड ड्रिंक्स, पाला कलर ड्रिंक्स, इन जैसे बड़े ब्रांड्स ने इसके लिए 130 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया है। सर ज्यादा सयाना बन रहा है, बाथरूम धोने का एसिड है वो, और तुम चाहते हो मैं उसे पीऊं? फिर तुम चाहोगे कि 7 दिन में गोरा बनाने वाली क्रीम को मैं टीवी पर बेचूं?
मुझे पता है उससे कोई गोरा होने वाला नहीं है। तुम टीवी पर ऐड चलाकर उसे खूब बेचोगे। अगर क्रीम इतनी अच्छी होती ना तो नाइजीरिया के लोग उसे रगड़ रगड़ कर अमरीकन बन चुके होते। फिर तुम मुझसे दारू और सिगरेट भी बिकवाओगे, है ना? ये नहीं करने वाला मैं। वैसे भूलो, बेवकूफी की बात मत करो। तो फिर समझदारी की बात तुम ही बता दो। मैं तुम्हें कोला पीने के लिए कह रहा हूँ और तुम पीना चाहते हो काढ़ा। करोड़ों के नुकसान की मेरे लिए कीमत है। साथ ही इस मैच के लिए चैनल तुम्हें 20 लाख रुपए देगा। जान की बाजी लगानी है और कीमत 20 लाख। इतने पैसों में काम नहीं बनने वाला। 10 और ऐड करना होगा। बोल उसे। 2 करोड़ चाहिए? क्यों बोलम, अपनी औकात देखकर, सोच समझकर, ठंडे दिमाग से मांग रहे हो ना? दीपक जी, मैं अपनी औकात भी जानता हूँ और तेरी भी। अब एक बात बता, जॉर्ज के साथ फाइट करने के लिए तूने इंडिया में कितने बॉक्सर से पूछा और कितने बॉक्सर्स की बीवियों से पूछा? मुझे सब पता है। आर्मी बॉक्सिंग क्लब में भी धक्का खा चुका है तू, मगर सबने कहा कि उस पागल से कौन लड़ेगा और तू धक्के खाता रहा। अब तू मेरे सामने आकर यहाँ पर गिड़गिड़ा रहा, यही है ना तेरी औकात? यही है मेरी औकात। तो क्या तुम मौके का फायदा उठा के अपनी औकात से ज्यादा नहीं मांग रहे? 100 साल से चली आ रही है ये बॉक्सिंग परंपरा। रिंग के अंदर होने वाला है मौत का खेल। क्या बेटा अपने बाप की मौत का बदला ले पाएगा? क्या वो इस प्रतिष्ठा को बरकरार रख पाएगा? ये बॉक्सर इसका बेटा है, वो बॉक्सर उसका बेटा है। ये सारी पर्सनल बातें बताकर तुम ऐड से पैसा कमाते हो। फिर जो लोग मैच को देखने आते हैं तुम उनसे भी पैसा कमाते हो। तुम्हारी भूख ही नहीं मिटती। अरुमुगम और मेरी लड़ाई तेरी वजह से हुई, मास्टर तेरी वजह से मरा। बेवकूफ बनाकर तूने हमारा इस्तेमाल किया, उसी की कीमत मांग रहा हूँ मैं। अरुमुगम को जो मिलना चाहिए था वो मांग रहा हूँ मैं। इसे मेरी जान की कीमत मत समझना, क्योंकि तेरी औकात नहीं जो मेरी जान की कीमत लगा सके। सर लगता है दिमाग खराब हो गया इसका, हर बात पे 1-0 बढ़ाया जा रहा है। अरे चलो यहाँ से, ये इनके पास की बात नहीं है। बोलम क्यों गुस्सा कर रहा है? अपनी टेंशन बढ़ा रहा है, हमारी टेंशन। तू तो अपना भोपू बांध ही रख। वो बात कर रहा है ना? सर जो बोलते हैं करो। किसको दे रहे हम? अपनी भोलम सर को। अगली कंडीशन पढ़ो। इस मैच से होने वाले सारे प्रॉफिट्स, टेलीकास्ट राइट्स, रीटेलीकास्ट राइट्स, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, सेलफोन, वीडियो गेम्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स, इन सब से होने वाला जितना भी प्रॉफिट है वो मिस्टर दीपक शाह को मिलेगा। फिर उनके वारिस को, उनके वारिस के वारिस को, और बाद में उनके परिवार को मिलेगा। मैच से होने वाला प्रॉफिट पहले मिस्टर दीपक को मिलेगा, फिर उसके वारिस को, फिर उसके वारिस को, और फिर उसके वारिस के परिवार को मिलेगा। तुम लोगों ने हमें बिल्कुल अनपढ़ समझ रखा है क्या? क्या सोचा था भोलम और उसकी टीम को लॉलीपॉप देके उनका मुंह बंद कर दोगे? ये डील तुम्हारे और मेरे बीच नहीं हुई है, हमारी यूनियन और तुम्हारे चैनल के बीच में हुई है। इसलिए इस मैच की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके सारे राइट्स हमारी यूनियन के पास होने चाहिए, और जो भी प्रॉफिट होगा वो यूनियन में शेयर होगा। ये मैच टीवी पर सिर्फ एक बार टेलीकास्ट होगा, उसके बाद ये चैनल की प्रॉपर्टी नहीं यूनियन की प्रॉपर्टी होगी। इतना ही नहीं, इसके रीटेलीकास्ट और हाईलाइट्स के राइट्स भी यूनियन के पास ही होने चाहिए। सर 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 सुनिए सर, सुनिए सर, वो तो पागल है, नुकसान तो हमारा होगा ना। हाँ सर, अगर मैच नहीं हुआ तो हमें बहुत नुकसान होगा। ए, जाने दे इसे, भाव क्यों दे रहा है? अगर मैच ये नहीं दिखाना चाहता तो और चैनल तैयार बैठे। कोई और कैसे टेलीकास्ट करेगा, ये टूर्नामेंट हमने शुरू किया था। तो एक काम कर, जॉर्ज से खुद ही लड़ ले। हेलो, जब मैं और जॉर्ज लड़ेंगे तभी तुम लोग इस टूर्नामेंट को दिखाकर पैसे कमा पाओगे, समझे? लड़ाई हमारी है, तुम्हारा चैनल बस दिखा रहा है उसे। अगर हमारी लड़ाई दिखाकर पैसे कमाना ही थे तो हमारे हिस्से के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हारे हिसाब से तो बाकी मर जाए, अपनी जेब भर जाए बस। भूल गया, तू एक 2 कौड़ी का बॉक्सर है जिसे मैंने सड़क से उठा के रिंग में उतारा, टीवी पे दिखाया, पूरी दुनिया में फेमस किया तुझे मैंने, और आज तू अग्रीमेंट की बात कर रहा है मुझसे। तूने मुझे क्यों फेमस किया? अपने बेटे को फेमस करना चाहिए था ना। आज तक किस करोड़पति का बेटा बॉक्सर बनाया है? मजदूरी करके, रिक्शा चलाकर, अपना खून पसीना बहाकर, मेहनत से मुझ जैसा आदमी बॉक्सर बनता है, समझा? वहाँ खून हम बहाते हैं और हमारी किस्मत पर तुम कुंडली मार कर बैठ जाते हो। कमीने बहुत देखे लेकिन तुझसे बड़ा नहीं। अब सुनो, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा, जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। मिस्टर दीपक, तुम्हारा चैनल पे चैनल नहीं होना चाहिए, लोग मैच को फ्री में देखेंगे, और मैच का रेफरी कोई इंटरनेशनल रेफरी होना चाहिए। अगर ये बात मंजूर है तो ठीक है, वरना भीड़ कम करो। ओके, अगर तू मैच में मर गया तो तेरी बॉडी किसे देनी है वो पॉइंट ऐड कर दे तो साइन करता हूं। बोल, तैयार है? वो मेरी यूनियन देख लेगी। चल अग्रीमेंट साइन करते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट पूरी दुनिया में फेमस हो? हाँ दीपक,
कोई अच्छा आइडिया हो तो बताओ, मैं पैसे खर्च करने को तैयार हूँ। पूरी दुनिया में तुम्हारा प्रोडक्ट फेमस होगा, ऐसा आइडिया मेरे पास। चलो। हाय दीपक, माय डियर फ्रेंड, ये मेरा एजेंट है जैक। हाय, वेलकम, प्लीज नाइस टू मीट यू। मेरे पास पार्टी का वक्त नहीं है, लेट्स टॉक बिजनेस। आउट। तो जैक, कहिए सर। मुझे इस टूर्नामेंट को सेंसेशनल बनाना, मतलब ये फाइट मरने तक होगी। आई हैव डिजाइंड इट एज फाइट टिल डेथ। उसे तो ये पहले ही राउंड में मार देगा, बहुत नफरत करता है उससे। अगर मेरा बस चले तो उसे अभी मार दूं मैं। बट दैट्स ऑफ नो यूज, उसकी मौत को भी मैं बिजनेस बनाऊंगा, उससे मैं अपना नुकसान पूरा करूंगा। जिन स्पॉन्सर्स ने पैसे लगाए उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट होने चाहिए, अब चाहे फाउल क्यों ना हो। ही हैज टू किल हिम। नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। व्हाई? व्हाई? पिछली बार फाउल मारने की वजह से ही इसे एक साल के लिए बैन कर दिया था। अगर ये फिर से ऐसा करेगा तो इसका करियर तबाह हो जाएगा सर। और कितनी फाइट्स लड़ेगा ये? 10 फाइट। और कितना कमा लेगा? 50 करोड़। यही मार्केट में गया तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, कितना? यही कोई 200 करोड़। इसे 200 करोड़ मैं देता हूँ यहाँ। Listen, one fight and earning for a lifetime. सिर्फ 3 राउंड में उसे मारना है इसे, और अगर नहीं तो 4th round में फाउल करके उसे मारो। All ready है क्या? Cool. सब कहते हैं इंडिया गरीब है और आप एक आदमी पे इतना उड़ा रहे हैं। इंडिया गरीब देश है मगर मार्केट बहुत बड़ी है। Congratulations आपको शादी के लिए। मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रेजेंट, ये है $1,000,000 इंश्योरेंस पॉलिसी। ये आपके हस्बैंड के लिए, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। मैं रिंग में आपके हस्बैंड को जान से मार दूंगा। I don't want। अपनी वाइफ को दे दो जाकर, she definitely needs it। अरमोगम, सर्जरी के लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। भोलम, जॉर्ज के साथ लड़ने के बाद मुझे मत भूल जाना, क्योंकि सर्जरी के बाद हमें हिसाब चुकता करना है। हमारी पारंपरिक प्रैक्टिस है, ऐसे रेत के बैग्स पैरों में बांध करके कूदोगे तो डॉजिंग अच्छी हो जाएगी, स्पीड बढ़िया हो जाएगी। जोर से मारो, ताकत लगाओ भोलम, और जोर से। ट्रेडिशनल ट्रेनिंग तुम्हें मास्टर देंगे, साथ ही साइंटिफिक ट्रेनिंग की भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जॉर्ज से जीतने के लिए हमारी टीम एक प्रोग्राम बनाकर देगी तुम्हें। जॉर्ज ने 42 मैचेस लड़े हैं और 42 बार जीता है, उसमें से 12 नॉकआउट्स हुए हैं। उन 12 नॉकआउट्स में 6 रिंग के कॉर्नर्स में हुए हैं, इसलिए तुम रिंग के कॉर्नर से दूर ही रहना। 4 नॉकआउट्स 3rd round में हुए हैं और 8 नॉकआउट 4th में, इसलिए तुम 3rd और 4th round में थोड़ा संभल कर खेलना। और तेज, और तेज, और तेज। बोला, ब्लैक ग्लव्स में प्रैक्टिस करो, फाइट रात में होने वाली है। व्हाइट दिखाई दे जाएगा, रात में ब्लैक नहीं दिखता। ये लो, पहन लो। बॉडी को स्ट्रेट रखो, हाँ हाँ, चेंज। बॉडी को स्टिफ रखो, लूज मत करो। स्पीड अप, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी जल्दी। बॉक्सर फ्लॉयड मेवेदर मैच के पहले अपने फुटवर्क के लिए बीवी के साथ सालसा डांस करता था, वही वर्कआउट आज हम करेंगे। तुम्हें इस डमी को मारना है और तुम्हारे हाथ में लगा फोर्स सेंसर तुम्हारे पंच की पावर को रिकॉर्ड करेगा और इस कंप्यूटर में दिखाएगा। ये 200 पाउंड का पंच था।
211 pounds है। इस पावर से तो तुम जॉर्ज को 12वें राउंड तक भी नॉकआउट नहीं कर पाओगे। चलो फिर से ट्राई करो। नहीं, अभी भी नहीं। और जोर से, वही पावर है। पावर बढ़ा नहीं है। और तेजी से पंच करो। और तेज, पावर बढ़ाओ। ये डमी है, असली जॉर्ज नहीं। बोलम, इतने जोर से मारने के बाद भी ये मत सोचो कि तुम्हारा पावर नहीं बढ़ा। अभी 5 सेकंड में तुमने 26 पंच मारे हैं। इसका मतलब 1 सेकंड में तुम 5 पंच मार सकते हो। देखो, ये स्पीड ही तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। जब भोलम इस कॉर्नर में मरा पड़ा होगा, तब हम उस प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे। की बॉडी जिस भी एंगल में गिरे, उसके पीछे रखे प्रोडक्ट को फौरन कवर करो। यहां 8 cameras हैं, एक भी प्रोडक्ट मिस ना हो। अगर कोई प्रोडक्ट मिस होता है तो उसके मरने के अनाउंसमेंट के वक्त उस प्रोडक्ट को कवर करो। यू गॉट माय पॉइंट? ग्रैंड फिनाले फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल द्वारा प्रस्तुत किए गए इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग कप के फाइनल मैच को देखने आए सभी फैंस का हम दिल से स्वागत करते हैं। Please come, gentlemen. Good fight, okay? No rush. Shake hands. मुझसे लड़ेगा? अब दिखाता हूँ तुझे। टेंशन मत ले, वो तेरा ध्यान भटका रहा है। तो बस फाइट पर फोकस कर, ऑफेंसिव मत हो, शांत हो जा। देख, उसके उकसाने में मत आना। पूरे फोकस से लड़ना। बॉक्स। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। नो 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 नो, डोंट पुश इट। आ जा। आओ सब लोग। सुनो, अभी मत खड़े होना। 8 गिनने के बाद खड़े होना। अपने आप को रिलैक्स करो, जल्दी मत करो। 7, 8 आर यू ऑल राइट? रेडी टू बॉक्स? वो तैयार है।
Stop! First round break. Go to your corners. बोलम, अगर जॉर्ज ने तुम्हें एक और पंच मारा तो तुम नॉकआउट हो जाओगे। तुम्हें बचना है, हर पंच को मिस करना है, ताकि उसका स्टैमिना और एनर्जी दोनों कम हो जाए। मारने का मौका मिलता तब भी मत मारना, दूर हो जाना। बोलम बच, मार मत खाना। Stop! Round 2 break! Go to your corners! Javelin out! Water! उसका स्टैमिना कम हो गया, लेकिन तुम मार मत खाना। हालत बिल्कुल खराब हो गई है इसकी। बोलम, मार मत खाना। मैं इसकी मार सहन कर सकता हूँ। जॉर्ज, जॉर्ज, कम ऑन, जॉर्ज, चुप, निकल यहाँ से। लुक एट मी, आर यू ओके? बहुत अच्छे बोलम। You caught me? I wasn't for you! Stop, 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 stop! Otto! Okay, George? Mm-hmm. आजा। ये तो फाउल है, ये चीटिंग है, क्या हो रहा है? ये फाउल है, सबने देखा है। बोलन, ठीक हो तुम? सांस लो, रिलैक्स करो। एब्डोमिन गार्ड ने तुम्हें इस बार बचा लिया है। अब क्या हुआ? ये फाउल है, फाउल, फाउल। ये फाउल है। वो जीतने के लिए फाउल कर रहा है। मैच को रोक देते हैं। मैच रोकना चाहिए। बोला मैच रोकना चाहिए। चुप हो जाओ। अगर तुम ये मैच लड़ना भी चाहोगे तो भी लोग ये मैच नहीं होने देंगे। मेरी बात मान लो बोलम। लोगों को मैं समझा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिल्लाना बंद करो, शांत हो जाओ। आप लोग मेरे लिए एक घंटे के लिए शांत हो जाओ। मेरी बात मानो, ये गोरा यहां से जीत कर नहीं जाएगा। अब प्लीज सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। बोला मेरी बात सुनो, उसको हराने के लिए तुम्हें उसकी एक पसली तोड़नी होगी। सांस में दिक्कत होगी तो उसकी पावर खुद ब खुद कम हो जाएगी। जब वो थोड़ा झुके
तो उसके सीने में मारना और वो आसानी से नॉकआउट हो जाएगा। बॉक्स। भोलम, कॉर्नर में ले जाके उसकी पसली तोड़। Stop, stop, stop! Round 5 break! Go to your corners! He broke my rib! चल आजा, आजा! मंगलमा देवी का आशीर्वाद है, आजा! चल मार! Stop, stop, stop! Go to your corner! Go to your corner! इस पंच के बाद आपको मिलता है 5 GB डेटा। ये भोलम की तरफ से फुल टॉक टाइम ओवर है और इस पंच के बाद हो गया टाइम एक कमर्शियल ब्रेक का। जॉर्ज को तुम घुटनों पर ले आए, बस 3 मिनट में उसका खेल खत्म हो जाएगा। No, no! हम दोनों में दुश्मनी क्या है? क्यों हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बनकर इस तरह से लड़ रहे हैं? नहीं पता ना? क्या आप में से कोई जानता है? अगर मैं जीत गया तो क्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल इंडिया हो जाएगा? और अगर मैच तुम जीत गए तो क्या सबसे ज्यादा पावरफुल अमेरिका हो जाएगा?
दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल पैसों के लिए हम जैसों को लड़ाने वाले बिजनेसमैन होते हैं। मेरे भाई, हम दोनों यहाँ बॉक्सर्स नहीं हैं, इन सब प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए यहाँ पर लड़ते हुए दो सेल्समैन हैं। ये कोई बॉक्सिंग रिंग नहीं है, ये बिजनेस रिंग है। मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया माय फ्रेंड, बहुत सी कंट्रीज में फाइट किया है। एज अ बॉक्सर मैं आज तक नहीं हारा हूँ। मिस्टर दीपक ने मुझे तुम्हें फाउल से मारने के लिए $40 million दिए थे। मुझे शर्म आ रही है, आई बिकम अ पेड किलर। तो देखिए आपने इन बिजनेस वालों की ताकत। ये पैसे के लिए किसी को मार सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, किसी को मुजरिम बना सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपनी आंखों से देखिए, क्या इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में बना हुआ है? ये सारा विदेशी माल है। पैसे के लिए ये लोग कुछ भी बेच देते हैं, प्रॉफिट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाते हैं, हम जैसे गरीबों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आज हम कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं तो ये लोग उसमें भी टांग अड़ाते हैं। ये नहीं चाहते कोई इनके सामने खड़ा हो सके। कहने को तो हमारी देश की आबादी 120 करोड़ है, लेकिन क्या हम अपने लिए साबुन, क्रीम और पाउडर नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। अपने प्रोडक्ट की ये लोग ऐसी तारीफ करते हैं जैसे उसी में सब कुछ है। इसीलिए हम अपनी पारंपरिक चीजों पर संदेह करने लगते हैं। इन बिजनेस वालों का जमीर मर चुका है। यही जाति और धर्म के नाम पर दंगा करवाते हैं, यही लोग हमें फिर से गुलाम बना रहे हैं। समय आ गया कि अब एक बदलाव की आंधी आए जो इन करप्ट लोगों को तहस नहस कर दे। अब हमें अपने लिए सोचना होगा, अपने इस देश के लिए सोचना होगा, वरना ऐसे लोग कभी खत्म नहीं होने वाले। बॉक्सिंग टूर्नामेंट में बॉक्सर को जान से मारने की साजिश रचने के लिए दीपक शाह को और उसके कर्मचारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके चलते इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूचर स्पोर्ट्स चैनल को हमेशा के लिए बैन कर दिया है। इस इंडिपेंडेंट बॉक्सिंग कप टूर्नामेंट में ना कोई जीता है और ना ही कोई हारा है। इसमें हम चारों की जीत हुई है।